हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए प्रवीण महाजन एंड आज हम सीए फाइनल एसएफएम का दिसंबर 21 में जो ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन पेपर था उसके हम सजेस्टेड आंसर्स आज डिस्कस करेंगे। इस पेपर ने बड़ी दहशत फैला रखी है, स्टूडेंट्स की काफी क्वेरीज है व्हाट्सएप के ऊपर, तो उन क्वेरीज को जो हम इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि जो है उसका एक वीडियो बना के एक ही सोल्यूशन सबको दे दिया जाए, सो दैट आपका जो है जो थॉट प्रोसेस है एंड इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका है वो आपको क्लियर हो। बेसिकली स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत है कि ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ सौतेला बरता हो रहा है, न्यू कोर्स के जो है सोल्यूशन तो सारी फैकल्टीज ने डाल दिए, ओल्ड कोर्स का सोल्यूशन किसी ने नहीं डाला। मे बी शायद क्वेश्चंस डिफिकल्ट है इसलिए, तो लेट मी रीअश्योर यू कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ कोई सौतेला बर्ताव नहीं है। तो आज हम सोल्यूशन इसका डिस्कस कर रहे हैं, और देखिए जहां तक न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स की बात है, अब तो सारा न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स बराबर है, अब एक ही पेपर होगा। एंड न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स को भी ये जो पिछले दो तीन अटेम्प्ट्स के अंदर ओल्ड कोर्स के पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है एक बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि एक बार जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं वो बार बार रिपीट हो जाते हैं, वो हम पिछले काफी अटेम्प्ट से देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट इस पेपर के अंदर भी कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी हैं पास्ट अटेम्प्ट्स के जो कि इस पेपर में आ गए, एक ही पेपर के अंदर बहुत कुछ आ गया, वो हम डिस्कस करेंगे इस पेपर के अंदर क्या क्या है। तो मुद्दे की बात यह है कि न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स को भी इन तीन चार पेपर जो ओल्ड कोर्स के हुए हैं उनको ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आए हुए। एंड देखिए क्या है कि जो एग्जामिनर का जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, अब आप ये चेक करें कि हमें ये पता लग रहा है कि एग्जामिनर किसी भी हद तक जा सकता है। पहले जो है अगर मैनुअल के टिपिकल क्वेश्चन आते थे तो स्टूडेंट्स का कहना होता था कि भाई जो है सर पेपर डिफिकल्ट है, राइट, बट एटलीस्ट वो मैनुअल के अंदर से तो थे। अब जो है डिफिकल्टी की एक्सटेंट पता लग सकती है कि एग्जामिनर उससे भी ज्यादा जा सकता है। एग्जामिनर इन्हें इस बार जो क्वेश्चन दिए हैं ओल्ड कोर्स के अंदर वो सेल्फ क्रिएटेड हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैनुअल के डायरेक्ट क्वेश्चन हैं उनको उल्टा कर दिया, इसका मतलब उसने टाइम लगाया इसके ऊपर, तो एग्जामिनर किसी भी हद तक जा सकता है। तो सिर्फ मैनुअल के टिपिकल क्वेश्चन को करने से या क्रैम करने से यह चीजें नहीं होंगी। अब हमें जो है पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए क्या है कि जो है फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो मर्जर ये हमारे पूरे कोर्स का काफी वेटेज कमांड करते हैं, और ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि जब तक इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना होगा तब तक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ नहीं आएगी। यही हमारे डेरिवेटिव का जो है जो इस ओल्ड कोर्स के पेपर में डेरिवेटिव का क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के पता लग जाएगा। अभी हम देखेंगे कि उस पे उस क्वेश्चन के अंदर है क्या एग्जैक्टली। अगर जो है मैनुअल का क्वेश्चन जो है वो ठीक से समझा होता तो ये क्वेश्चन में समझ आ गया होता, बट वो आसान नहीं है। जब तक आपके चैप्टर्स का प्रॉपर दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, फ्रेमवर्क नहीं बना होगा, तब तक हमें क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी फिगर कहां प्लेस करनी है और क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। तो प्लीज जो है आप जो हमारा एक कन्वेंशनल तरीका है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को आपने जो है 10 बार प्रैक्टिस कर लिया या उनको जो है रैंडम स्टडी कर लिए और क्रैम कर लिए क्वेश्चंस, तो वो जो है मेथड नहीं चलेंगे। थोड़ा स्टडी का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं कि जो है टॉपिक्स लंबे लंबे चैप्टर हैं, डेरिवेटिव फॉरेक्स बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अब हर चीज आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर सकते, तो पहले एक दो रिविजन्स के अंदर आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि लास्ट डे उनको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाओ, राइट। नहीं तो आप छोटे से छोटे क्वेश्चन भी लास्ट डे अगर रिविजन करना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा कोर्स हो लिया लास्ट में रिविजन में। तो प्लीज अपना पढ़ने का तरीका बदलें। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस पेपर के अंदर क्या था। ओल्ड कोर्स के पेपर के अंदर ये जो है काफी है, स्टूडेंट्स ने काफी बोला कि रिवर्स क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वेश्चन दे रखा है, आंसर की डिमांड और फैक्ट है,
क्वेश्चन वन का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन टू का बी पार्ट एंड क्वेश्चन थ्री का बी पार्ट, टोटल 22 नंबर की वेटेज है जिसके अंदर रिवर्स है क्वेश्चंस। मींस मैनुअल के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उन्हें क्वेश्चन को रिवर्स करके जो है वो इन्होंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसका मतलब सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है ये, मतलब डेलिबरेटली पर्पसफुली जो है एग्जामिनर की इंटेंशन है कि बच्चे को पजल करना है। और रिवर्स क्वेश्चन तो है ही, उनकी प्लेसमेंट ऐसे कर रखी है कि एग्जामिनर एग्जाम में बच्चे को नजर ही वही क्वेश्चन आते हैं और पूरा पेपर ही उसमें कलर हो जाता है। मींस जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको उनके मेरिट्स पे वेट करने की बजाय इन्हीं चार क्वेश्चंस से आपका जो मोरल बीट हुआ है वो उन बाकी क्वेश्चंस में भी जो है कैरी हो रहा है। तो एग्जामिनर ने पर्पसफुली ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं एंड उसकी प्लेसमेंट भी जो है बहुत बढ़िया की हुई है। अच्छा, उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैनुअल के टिपिकल क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली पेपर के अंदर क्या रहता है कि एक दो टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है सॉफ्ट होते हैं, बट यहां पर चार रिवर्स क्वेश्चंस भी हैं और तीन चार मैनुअल के टिपिकल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, और उनके अंदर भी क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज ऐसी है कि वहां पर आपको छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ जाएंगे और वो छोटे छोटे डिसीजन जो है वो तब लिए जाते हैं कि अगर आपका मोरल या कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो। बट जब ऊपर से रिवर्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो मोरल बीट होता है। एक से दो क्वेश्चन ऐसे हैं, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो मैं कहूंगा कि बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। एक लीजिंग का क्वेश्चन भी इन्होंने ऐसा डाल दिया कि क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है बट उसमें कैलकुलेशन इतनी सारी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होना लाजमी है। तो देखिए, एग्जामिनर ने जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है जो बनाया है इसकी इंटेंशन जो है वो अच्छी नहीं है। तो एग्जामिनर को बोलने का मूड कर रहा है, भैया व्हाई आर यू ऑलवेज इन द मूड, है मूविंग अराउंड लाइक ब्रांड न्यू, तो भैया थोड़ा शांत हो जाओ। अब आगे देखिए जो, अब तो एक ही पेपर आना है, अब आगे जो है पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो पता लगेगा। आई थिंक जो है डेरिवेटिव के अंदर जो स्ट्रेटजीज वगैरह आती थी पहले ज्यादा कभी नहीं आई, अब उनके ऊपर भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस उनकी जो है बनेगी। अब खैर हम इस पेपर पे ध्यान देते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस सी कि जो है इस पेपर के अंदर था क्या क्या, कवरेज क्या क्या थी। क्वेश्चंस की कैटेगरीज मैंने लास्ट पे दे रखी है। क्वेश्चन वन का ए 5 मार्क्स का है और मोदी गिलानी मिलर का सिंपल क्वेश्चन है, हल्का सा जो है कुछ इसको उन्होंने छेड़ने की कोशिश की बट मोदी गिलानी मिलर का जो है तीन इक्वेशन से सारी सारा घूम के कंसेप्ट वहीं आ जाना है, तो ये इसको हैंडल करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। मेन जो है कल्प्रिट इस पूरे पेपर का ये था, क्वेश्चन वन का बी। ये जो है ये क्वेश्चन, इसमें पूरी जो है टेंडेंसी है कि ये मोरल बीट कर सकता है। ये चैप्टर ऐसा है म्यूचुअल फंड कि बच्चों ने जो है प्रैक्टिस ही ऐसे चैप्टर कर रखे होते हैं और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नजर आ जाए तो जो है एक उम्मीद जगनी शुरू हो जाती है कि हाँ भैया ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अब पास होने के चांसेस हैं। और जब इन चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी चैप्टर्स में से क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि जो है वो हैंडल नहीं हो पा रहा है तो वहां पर जो है एक दुनिया उल्टी होती नजर आती है। नवंबर वेटेड मई अटेम्प्ट नजर आना शुरू हो जाता है और उसका इफेक्ट जो है बाकी क्वेश्चंस की रीडिंग में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में पड़ता है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसकी प्लेसमेंट देखिए क्वेश्चन वन का बी पार्ट है। क्वेश्चन वन का सी पार्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, मैनुअल का क्वेश्चन है, पास एरम्स के अंदर आया हुआ है बट इसके अंदर जो है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऐसे डाल दी कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो है हम सोल्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू हो जाते हैं, राइट और इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर मैं उसको उसकी यूसेज को देखना शुरू कर दूं बगैर ये देखे कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की तो वो यूसेज जो है बड़ी ट्रिकी लगती है, तो वहां पर जो है सॉल्यूशन पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बड़ा
अगर कामली हैंडल किया जाए तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। मर्जर एंड एक्विजिशन का ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का कंसेप्ट भी अगर पढ़ रखा होगा आपने फॉर्मूले रटे बगैर, तो ये बड़े आसान से हो जाएगा। कुछ बच्चे कुछ ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर छोड़ जाते हैं। देखिए मैंने बता रहा हूँ ये चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं, मर्जर, डेरिवेटिव, फॉरेक्स पोर्टफोलियो, इनका जब तक जो है हर टॉपिक नहीं होगा तब तक ऐसे पेपर हैंडल करना मुश्किल है। तो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर के फॉर्मूले नहीं है, उसका पूरा कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट किया होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 1 मिनट के अंदर हो जाता है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन है। बॉन्ड रिफंडिंग का जो कंसेप्ट है उसका जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो ये क्वेश्चन आया हुआ 12 मार्क्स का। अब देखिए बॉन्ड वैल्यूएशन 5 मार्क्स का ये है एंड 12 मार्क्स का ये है, तो बॉन्ड वैल्यूएशन की वेटेज जो है 17 मार्क्स की है। और क्वेश्चन 2 का भी ये रिवर्स क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, एक ही फॉर्मूला है, अगर उस पर स्टिक रहेंगे तो ये भी बड़े आराम से हो जाएगा, बट ये रिवर्स था थोड़ा सा, बट इतना टिपिकल नहीं था जितना ये जो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट था, तो इसको इसने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया होगा अगर थोड़ा सा मोरल संभला हुआ है तो। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का है, 10 मार्क्स का, सिंपल क्वेश्चन है, बट जो है क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें डाइवेस्टमेंट की बात हो रही है तो दिमाग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में चला जाता है। बट अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ते रहेंगे तो पता लगेगा कि जो है जो फिगर्स दे रखी हैं वो वही है जो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का हाईली सिंपल क्वेश्चन है उसके हिसाब से, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते रहे आंसर हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट डेरिवेटिव्स, ये था रिवर्स क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हैंडल होना बड़ा मुश्किल है, फैकल्टी से भी बड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन हैंडल होना। देखिए मैंने कहा कि अगर डेरिवेटिव का आपका जो शुरू से लेकर एंड तक एक ही कंसेप्ट अगर चल रहा है तो आप बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। हमारी क्लासेस के अंदर जो है एक ही कंसेप्ट पे पूरा डेरिवेटिव चल रहा है तो आपको पता रहता है कि कब कौन से चीज में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो होल्ड में रहते हैं, सारी फिगर्स उड़ती हुई नजर नहीं आती। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ये 6 नंबर की वेटेज नहीं होनी चाहिए थी इसकी, कम से कम 16 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। जब ये पहली बार आया था तब भी ये 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब तो इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया हुआ है तो इसकी वेटेज और होनी चाहिए थी। बट वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जामिनर की दाद देनी पड़ेगी कि उसने इस क्वेश्चन में दिमाग लगाया। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट फॉरवर्ड मार्केट हेज फॉरेक्स का, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब बेसिक क्वेश्चन, 8 मार्क्स, बड़े आराम से हैंडल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड एनएवी पर यूनिट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट ये पेपर में 2-3 बार आया हुआ है, अगर मैनुअल किया हुआ है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा है कि बड़े आराम से हैंडल हो जाएगा, अगर मोरल खराब ना हुआ हो तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी कोई। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट कैपिटल बजटिंग में से है, एनपीवी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई डिसीजन मेकिंग की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, इंटर लेवल का क्वेश्चन है। फाइनल में दे कैसे दिया, बी जो है ये अच्छा क्वेश्चन था, प्रेजेंट वैल्यू का दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, अच्छा क्वेश्चन था ये बट हो जाना चाहिए, तो ये भी मैं कहूंगा क्वेश्चन सिंपल ही था। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट फॉरेक्स का फिशर इफेक्ट है, जैसे डेरिवेटिव का लास्ट पार्ट है जिसमें बीटा बीटा अगर यूज होता है, और ये फॉरेक्स में फिशर इफेक्ट, यहां तक पहुंचते पहुंचते जो है स्टेमिना खत्म हो जाता है, तो बस जो है सॉल्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं तो दिमाग लगना बंद हो जाता है रिवीजन के टाइम भी। अगर ये फिशर इफेक्ट अच्छे से किया हुआ है तो ये मैनुअल का एक अलग क्वेश्चन ड्राफ्टेड है बट मैनुअल का ही कंसेप्ट है इसके अंदर, बट थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लीजिंग, ब्रेक इवन लीज रेंटल का मैनुअल का सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, बट इसमें कैलकुलेशन इतनी सारी है कि बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, और ऊपर से जब लुढ़कते हुए आ रहे हैं तब ये क्वेश्चन किया जाए तो कैलकुलेशन मिस्टेक जो है होने के पूरे चांसेस है। तो वेटेज अगर देखें, बॉन्ड वैल्यूएशन 17 मार्क्स का था, म्यूचुअल फंड आप देखें क्वेश्चन 1 का बी पार्ट एंड क्वेश्चन 4 का बी पार्ट 8 मार्क्स का, तो 13 मार्क्स का म्यूचुअल फंड है, तो आप देख रहे हो 30 मार्क्स की वेटेज
तो बॉन्ड वैल्यूएशन और म्यूचुअल फंड में सी आ गई। फॉरेक्स की वेटेज 16 मार्क्स की, डेरिवेटिव 6 मार्क्स का सिर्फ, कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स, लीजिंग का एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स, इन्होंने फैक्टरिंग दिया ही नहीं इस बार। प्रेजेंट वैल्यू ईवी, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये उसमें ही कवर्ड है, तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस को हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स का है। तो जब आप चेक करेंगे, देखिए जब सब्जेक्ट पढ़ना होता है या रिवाइज करना होता है तब हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ते हैं जो कि हमारे मर्जर, डेरिवेटिव, फॉरेक्स और पोर्टफोलियो है, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है और इसमें अगर मोराल बन गया तो बाकी चैप्टर्स जो हैं वो हो भी जाएंगे, याद भी रहेंगे, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो पढ़ते टाइम और रिवीजन करते टाइम पहले ये चैप्टर्स करने चाहिए, उसके बाद बाकी चैप्टर्स। बट जब लास्ट डे होता है, लास्ट डे पहले बॉन्ड वैल्यूएशन, मर्जर सॉरी आपका म्यूचुअल फंड, ऐसे चैप्टर्स कर लिए जाएं सो दैट जो आप देख रहे हो वेटेज, देख रहे हो इनकी वेटेज इक्वल टू बाकी चैप्टर्स है। लास्ट डे तो पहले वो चीज करो जो नंबर दे दे आपको। तो ये हमारा पेपर का कैटेगराइजेशन है। अब देखें कि क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन वन का ए पार्ट, 5 मार्क्स का। टीएक्सएल लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ ₹242 पर शेयर 1 ईयर हेंस। तो ये हमें P1 दिया हुआ है 242। इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया तब P1 242 है। द प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर विल बी 204 पर शेयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो 204 का प्राइस है। द एप्लीकेबल पी रेशियो टू द रिस्क क्लास टू विच टीएक्सएल लिमिटेड बिलोंग्स इज 10। पी रेशियो 10 है, ऐसे इंफॉर्मेशन लिखने में कोई बुराई नहीं। कंपनी रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़, तो इक्वेशन पता है 3 है मोदी गिलानी मिलर की, 1 करोड़ की इसकी एक्सपेंशन, इसकी जो है इन्वेस्टमेंट है। टीएक्सएल लिमिटेड जनरेटेड अ नेट अर्निंग्स, नेट इनकम ऑफ 1 करोड़ 7 लाख 40 हजार, तो अर्निंग्स भी दे रखी है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख है, P1 दे रखा है, P0 नहीं दे रखा। यू आर एज पर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो है, अच्छा पी रेशो 10 दे रखा है तो हमें पता है कि जो है पी रेशो इज 1 बाय के ई, तो 1 बाय के ई अगर करेंगे तो 1 बाय 10 आ जाएगा, या के ई क्या होता है 1 बाय पी ई, तो ये 1 बाय 10 हो जाएगा, तो के ई हमारा 10% आ गया, ये हमने किया हुआ है। अब प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर दिया हुआ है अगर डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड है, तो हमें पहली इक्वेशन पता है P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, मैंने ये लगाया D1 0 है, P1 पता है, KE पता है, तो मेरा P0 220 निकला आया। अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो भी प्राइस पता है, मैंने सेम इक्वेशन में डाला, यहां पर डिविडेंड है और क्वेश्चन में पूछा गया डिविडेंड कितना है प्रपोज डिविडेंड, तो 220 का P0 है, 204 का P1 है, कोई केस टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पता है, तो डिविडेंड हमारा आ गया 38। बट हम ए पार्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 242 नॉट डिक्लेयर डिविडेंड माइनस 204 डिक्लेयर डिविडेंड, तो हमारा 38 का प्राइस डिविडेंड आ जाता है। देखो मोदी गिलानी मिलर क्या कहता है कि डिविडेंड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओनर के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में अर्निंग्स उतनी ही जाएगी, अगर डिविडेंड दे देते हो तो 38 का डिविडेंड प्राइस 204 का जाएगा, मतलब उसके शेयर की वैल्यू 204 की होगी, अगर डिविडेंड नहीं देते हो तो शेयर 242 का आ जाएगा, इसका मतलब शेयर होल्डर के हाथ में तो 204 प्लस 38 चला ही गया। अगर डिविडेंड देते हो तो शेयर होल्डर के हाथ में 38 का डिविडेंड आ गया, 204 के उसके हाथ में शेयर होल्डर की वेल्थ आ गई,
बट डिविडेंड नहीं देते हो तो उसका शेयर 242 का हो जाएगा। इसका मतलब उसको 38 भी मिल रहा है, उसको 204 भी मिल रहा है, तो शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड जो है वो 242 माइनस 204 हो गया। हम ऐसे भी कर सकते थे इसको। बी पार्ट के अंदर उसने पूछा है करंट प्राइस पर शेयर। तो अगर हम ए पार्ट ऐसे कर रहे हैं तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली और ये वाली, ये हम जो है बी पार्ट के अंदर लगा सकते थे। यहां पर हमने पी जीरो निकाल ही दिया हुआ है तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया करंट प्राइस पर शेयर 220। थर्ड पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर टू बी इशूड इफ, ये टीएक्सएल लिमिटेड है, इफ टीएक्सएल लिमिटेड डिक्लेयर द डिविडेंड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो न्यू इक्विटी शेयर्स। तो दूसरी इक्वेशन, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म पूछी नहीं तो तीसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं। उसने कहा न्यू इक्विटी शेयर्स अगर डिविडेंड डिक्लेयर था, तो ये हमें पता है कि जो है न्यू इक्विटी शेयर्स कैसे निकालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की, अर्निंग्स 1,07,40,000 और ND1 38 लाख का है, और डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड है तो P1 जो है 204 का है, तो 15,000 शेयर्स हमने इशू किए। सिंपल क्वेश्चन इसमें जो है, मैंने इसलिए कहा रिवर्स है क्योंकि इसमें P0 में निकालने को दे दिया उसने, बट इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि मोदी गिलानी मिलर इक्वेशन में चलता है। असली तंग तो यहां पर किया। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट म्यूचुअल फंड। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें यह दिया हुआ है कि हमने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेज किए हैं, यूनिट्स परचेज्ड 1 लाख, और फेस वैल्यू हमें दे रखी है, मान लेते हमने 10 रुपए पर परचेज किया तो हमारी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे मैनुअल के अंदर है। फिर उन्होंने दिया हुआ कि डिविडेंड इतना है और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना। तो हम कैसे करते हैं उसको, हम कहते हैं कि ओपनिंग यूनिट्स ये रहे, डिविडेंड इतना मिला, एनएवी इतनी थी, यूनिट्स इतने परचेज किए एंड क्लोजिंग यूनिट्स इतने थे। तो ओपनिंग में तो कुछ नहीं था, यहां पर हमने 1 लाख यूनिट्स परचेज किए। मान लेते हैं सेकंड पीरियड जो डेट दे रखी है, हमारे पास 1 लाख यूनिट्स हैं, मान लेते कहता है कि डिविडेंड जो है 20% है, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख का 20% 2 लाख हो गया। और इस डेट पे एनएवी अगर 20 है तो इसका मतलब यूनिट्स जो है 10,000 परचेज किए हैं, तो हमारे टोटल यूनिट्स 1,10,000 के हो गए, 1,10,000 यूनिट्स। थर्ड डेट पे 1,10,000 यूनिट्स है, डिविडेंड अगर 30% है तो 1,10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू 11 लाख, 11 लाख पे 30% 3,30,000, और 30 का एनएवी तो यूनिट्स परचेज्ड 11,000 हो गए, 1,21,000 यूनिट्स हमारे पास आ गए। अब मैं इस 1,21,000 यूनिट्स को एनएवी से मल्टीप्लाई करूंगा, माने मैं एनएवी 40 है तो ये मेरी टोटल एनएवी आ जाएगी, टैक्स वैक्स इस क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो ये मेरा रिडेम्पशन वैल्यू और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख की है। ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, इस प्रॉफिट को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हम ये क्वेश्चंस ऐसे करते आ रहे, राइट? ये तो आपने कम से कम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, टैक्स फैक्स इसमें दे नहीं रखा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मुझे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, पीरियड दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, पीरियड दे रखा है, तो मुझे टोटल प्रॉफिट पता लग जाएगा, टोटल प्रॉफिट पता लग जाएगा। और मुझे यह दिया हुआ है कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है। अगर मुझे टोटल प्रॉफिट पता लग जाएगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता लग जाएगी तो मुझे यह पता लग जाएगा कि लास्ट में मेरे हाथ में पैसे कितने हैं, टोटल यूनिट्स की वैल्यू कितनी है। और मुझे यह कहा गया है कि यह निकालो कि कितने यूनिट्स परचेज किए और किस प्राइस पर परचेज किए। मैंने तो इसके अंदर ये माना फेस वैल्यू परचेज किए। उसने कहा परचेज प्राइस क्या था और यूनिट्स कितने परचेज किए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन था, हमारा फॉर्मेट तो फिक्स है। देखे थे कुछ,
अगर मैं ये मान लूं कि मैंने यूनिट्स परचेज एक्स किए थे, एक्स यूनिट्स परचेज्ड, तो इसका मतलब यहां पर यूनिट्स एक्स आ गए, डिविडेंड भी मेरा 2x हो जाएगा, एनएवी पे जो है मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा तो ये भी एक्स में आ जाएगा समथिंग, तो ये पूरा फिर एक्स में आ जाएगा, ये मेरी क्लोजिंग यूनिट्स ये भी एक्स में आ जाएंगी। जब एक्स में आ जाएंगी और मुझे टोटल वैल्यू पता है, क्योंकि 10 लाख प्लस टोटल प्रॉफिट मुझे वैल्यू पता लग गई, बराबर कर देंगे एक्स में, तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज आ जाएंगे। तो जो है ना, अगर अपने कंसेप्ट पे स्टिक रहे तो पेपर में दिक्कत नहीं होती। अब ये देखें, मेसर्स एंटरप्राइज एंड एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑन 1/4/16 हैज फ्लोटेड अ स्कीम डिविडेंड प्लान, मिस्टर एक्स एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन द स्कीम, डिविडेंड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान है, डिटेल्स एक्सेप्ट द इशू प्राइस, इशू प्राइस नहीं दे रखा, डिटेल्स एक्सेप्ट द इशू प्राइस आर एज फॉलोस। तो ये इस डेट की एनएवी में नहीं दे रखी, वही तो परचेज प्राइस हो गया जो ओपनिंग परचेज प्राइस है। इस डेट पे ये चार डेट्स हैं, इस पे मुझे डिविडेंड वगैरह दिया हुआ है, एनएवी दे रखी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 18,40,000 और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 54,576। तो अगर मैं 54,576 को इंटू फाइव करूंगा, 5 साल ही है ना, 16 से 21, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल है, तो 54,576 इंटू ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता हूं तो इस डेट पे मेरे यूनिट्स जितने मेरे हाथ में हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या है वो पता लग जाएगी। तो आप देखें, एवरेज प्रॉफिट 5 इयर्स का कितना है, 54,576, टोटल प्रॉफिट 5 इयर्स का 54,576 इंटू 5 है, ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया 5 साल का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 18,40,000 की है, तो जितने भी यूनिट्स मेरे पास 31/3/2001 को थे, 21 को थे, उन यूनिट्स की टोटल वैल्यू ये है। अब मुझे ये पता लग जाए कि यूनिट्स थे कितने, आप देखें, नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड ऑन 31/3/21, लेट इनिशियल यूनिट्स परचेज बी एक्स, दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपल चैप्टर्स हमारे। 1/4/16 को मैंने एक्स यूनिट्स परचेज किए थे और फेस वैल्यू 10 है, तो 10x का 20% डिविडेंड जो है पहले साल में 20% है, फिर 25, फिर 30, 20% 48, दिस मैंने यूनिट्स परचेज कितने किए ये वाले। और नेक्स्ट डेट पे मेरे पास 1+ दिस यूनिट्स आ गए एक्स, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और 25% डिविडेंड है, तो ये मेरा एक्स के फॉर्म में डिविडेंड आ गया, 50 एनएवी है, तो यूनिट्स परचेज किए ये मेरा फिर एक्स में आ गया, फिर डिविडेंड आया, एनएवी 45 है, तो मैंने और यूनिट्स परचेज किए ये। टोटल यूनिट्स 31/3/2001 को, 21 को मेरे पास ये थे, दिस प्लस दिस हो गया ना, तो ये मेरे टोटल यूनिट्स है और उसकी मुझे एनएवी दे रखी है 49। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास यूनिट्स हैं उनकी टोटल एनएवी एक्स में आ गई, बट मुझे एक्चुअल वैल्यू पता है, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। उसने पूछा था इशू प्राइस क्या है, क्वेश्चन में डिमांड क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इशू प्राइस ऑफ द स्कीम एज ऑन 1/4/16। मेरे पास यूनिट्स आ गए एक्स में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, ये परचेज प्राइस आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर इस पर सोचना शुरू कर दिया तो फिर थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, बट हमारा जब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट मैं वर्ड यूज करूंगा तो एज ए क्रैम यूज हो रहा है, मतलब निकल रहा है इसका, बट जो फेमिलियरिटी है अगर उसी फॉर्म में चलते रहे तो मेरा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन वन का बी पार्ट था, क्वेश्चन वन का सी पार्ट, इसमें टाइम लगा होगा क्वेश्चन वन के बी पार्ट में, अगर ये हो गया होगा तो। क्वेश्चन वन का सी पार्ट, बी लिमिटेड, बी इंटरनेशनल लिमिटेड हैज परचेज्ड 5 इयर्स 15.28% कन्वर्टेबल बॉन्ड, लाइफ 5 इयर्स की है, लाइफ 5 साल की है, कूपन रेट 15.28% है, डिबेंचर्स ऑन 1/4/01, 21 सॉरी,
1421, कूपन रेट 15.28% है, 5 ईयर्स है, तो 21 से 5 ईयर्स 26 तक हो जाएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विल मैच्योर ऑन 31/3/26। ईच डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 20 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपी 1 एट एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी। इसका मतलब मैच्योरिटी से पहले कन्वर्जन पॉसिबल है। डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट 100 ऑन मैच्योरिटी। अगर रिडेम्पशन से पहले कन्वर्ट कर सकती हो तो कर सकते हो, नहीं तो मैच्योरिटी पे तो रिडीम ही होगा और 100 पे रिडीम होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है एंड 5 ईयर सिक्योरिटी। ऐसे कुछ हमने पढ़े हुए हैं कि जिसमें कहा हुआ है कि मैच्योरिटी से पहले कन्वर्ट हो जाएगा बट मैच्योरिटी पे रिडीम होगा। नॉर्मली मैनुअल के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें यह पूछा जाता है कि बताओ किस प्राइस पे कन्वर्ट करें, राइट। द रिप्यूटेड कंसल्टेंट, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये हमारी आदत है कि इंफॉर्मेशन को हम जो है प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं विदाउट चेकिंग द डिमांड। रिप्यूटेड कंसल्टेंट हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग प्राइस बिहेवियर ऑफ द शेयर्स, पीरियड दे रखा है। अब यहां पर ये आता है कि ये 3 पीरियड दे रखे हैं और पैसिव, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक प्राइस ऑफ शेयर्स दे रखा है, शेयर्स। अब यहां पर आता है क्या मुझे एवरेज लेना है इसका, ऐसे तो मैंने कभी क्वेश्चन किया नहीं, बट पहले क्वेश्चन की डिमांड तो देखें। BIL एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी राउंड्स अप द अमाउंट, पॉइंट्स पर नहीं लेने फिगर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन प्राइस एट विच द डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड। सिंपल क्वेश्चन है, डिबेंचर्स तब कन्वर्ट किए जाएंगे शेयर्स में कि शेयर्स की वैल्यू भी उतनी हो जाए कि जो डिबेंचर की वैल्यू है, वो ब्रेक इवन प्राइस है, राइट। तो पहले इसका मतलब मुझे डिबेंचर का प्राइस पता होना चाहिए, ये बॉन्ड का प्राइस पता होना चाहिए, और बॉन्ड का प्राइस क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस, और फ्यूचर कैश फ्लोस क्या है, इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन वैल्यू। तो पहले हमें निकालेंगे करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश और कैश आउटफ्लोस एट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू, और 10% हमें कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है, तो 15.28 मेरा कूपन रेट है, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है, 5 साल का फैक्टर ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इसका मतलब डिबेंचर का इंट्रिंसिक वैल्यू आज का करंट मार्केट प्राइस 120 है। शेयर्स में तब कन्वर्ट करेंगे कि 20 शेयर, एक डिबेंचर शेयर्स में तब कन्वर्ट करेंगे जब 20 शेयर्स की टोटल वैल्यू एक डिबेंचर की वैल्यू के बराबर आ जाए। तो ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा, जो डिबेंचर का प्राइस है डिवाइडेड बाय 20 शेयर, 6 पर शेयर। इसका मतलब क्या है, 6 रुपए का अगर एक शेयर होगा तब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, तो ब्रेक इवन मेरा प्राइस ऑफ शेयर ये आ गया। सेकेंड पीरियड क्या, सेकेंड क्या कहता है, आइडियल पीरियड इन विच BIL शेल कन्वर्ट एंड डिस्पोज द शेयर्स। अब उसने 3 पीरियड दे रखे, ये देखा पीरियड, 3 पीरियड दे रखा है। उसने पूछा आइडियल पीरियड क्या है, मुझे पता है कि शेयर्स जो है कन्वर्ट तब कन्वर्ट करेंगे, सॉरी डिबेंचर्स को शेयर्स में तब कन्वर्ट करेंगे जब शेयर का प्राइस 6 रुपए होगा, और 6 रुपए का प्राइस कब है, इस पीरियड के अंदर है। तो यहां पर उसने मुझे ये प्राइस यूज करने के लिए थोड़ी बोला है जो मुझे उसका एवरेज निकालना पड़े। तो इसका मतलब सेकेंड पीरियड के अंदर मेरा आइडियल पीरियड है कि मुझे डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहीं पर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस 6 से ज्यादा जा रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, आइडियली डिबेंचर शुड बी कन्वर्टेड एंड डिस्पोज बिटवीन दिस पीरियड, सेकेंड पीरियड, एज अ प्राइस पर शेयर हैज अ पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज अबव 6 विद इन दिस पीरियड। तो ये क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का डी पार्ट। एक्स लिमिटेड प्रपोजेस टू एक्वायर वाई लिमिटेड, द रेलिवेंट फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द टू फर्म्स प्रायर टू द मर्जर अनाउंसमेंट आर एज फॉलोज। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्केट प्राइस पर शेयर एक्स और वाई का दे रखा है, पर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं 10 लाख और 5 लाख। तो इसका मतलब इसकी प्री वैल्यू, एक्स की प्री वैल्यू 800 लाख है और वाई की प्री वैल्यू 200 लाख है। मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन्स विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 120 लाख। तो यह मुझे सिनर्जी गेन दिया हुआ है। X Limited will issue 1 share of it for 2 shares of Y Limited. तो इसका मतलब
वाई के दो शेयर्स के बदले में एक शेयर दिया जाएगा, तो 5 लाख शेयर से 2.5 लाख शेयर मिलेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर ऑफ एक्स लिमिटेड। अब ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं आपकी कंपनी एक्वायर कर रहा हूं तो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या है। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का सिंपल कंसेप्ट यह है कि मर्जर से पहले आपकी औकात क्या है, ठीक है, जो मर्जर से पहले आपकी औकात है, और अब ये देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे कि मर्जर में, मर्जर की कंसिडरेशन में मैं आपको क्या दे रहा हूं, राइट। तो अगर जो मैंने आपको दिया है दैट इज मोर देन जो आपकी पहले औकात थी, तो डिफरेंस क्या है, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। कॉस्ट, ट्रू कॉस्ट कैसे भाई, देखो अगर आपकी यहां पर 200 लाख की वैल्यू है, वाई की 200 लाख की वैल्यू है, तो इसका मतलब 200 लाख के तो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं। अगर मैं आपकी कंपनी एक्वायर कर रहा हूं तो 200 लाख के तो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं। अगर मैंने आपको 250 लाख दे दिए तो इसका मतलब क्या है, 200 लाख के शेयर्स की वैल्यू मैंने 250 लाख दिया है, तो इसका मतलब मैंने 50 लाख फालतू दिए हैं, तो जिस जो मैंने फ्री में दिया है, तो दैट इज ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, कि जिसके बदले मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, दैट इज ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। बट हमने इसका फर्दर कंसेप्ट देखा हुआ है कि जो मैं 50 पे कर रहा हूं, जो क्या नाम है, परचेजिंग कंपनी जो 50 पे करती है वो अपनी जेब से पे नहीं करती है, वो फर्दर कंसेप्ट है उसका। बट इसके अंदर इसने सिर्फ ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर पूछा हुआ है। तो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या है, जो मैंने आपको दिया, जो परचेजिंग कंपनी ने दिया, माइनस जो वेंडर कंपनी की पहले वैल्यू थी। तो आप देखें परचेजिंग कंपनी की वैल्यू 800 लाख है, वाई लिमिटेड की वैल्यू 200 लाख है, सिनर्जी गेन से भाग गए, तो परचेजिंग कंपनी की आफ्टर मर्जर 120 लाख के सिनर्जी गेन्स है, मर्ज्ड फर्म की वैल्यू 800 प्लस 200 प्लस 120 लाख 1120 लाख की हो गई, ठीक है। अब मुझे यह निकालना है कि मर्जर के कंसिडरेशन में एक्स ने वाई को दिया क्या, और हमें पता है एक्स ने वाई को 2.5 लाख शेयर्स दिए, टू शेयर्स, वन शेयर फॉर एवरी टू शेयर्स, तो 2.5 लाख शेयर्स दिए। अब उन 2.5 लाख शेयर्स की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि मैंने वाई लिमिटेड को क्या दिया। 2.5 लाख शेयर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मुझे मर्जर के बाद के पर शेयर की वैल्यू पता लग जाए तो 2.5 लाख शेयर्स की वैल्यू वो हो जाएगी। तो कंबाइंड वैल्यू मैंने निकाल ली, मर्जर के बाद कंबाइंड वैल्यू क्या है, 1120 लाख, और मर्जर के बाद शेयर्स कितने हैं, 10 लाख शेयर्स तो पहले थे एक्स के, 2.5 लाख शेयर्स और दे दिए तो कितना हो गया, 12,50,000 शेयर हो गए। तो इसका मतलब 12,50,000 शेयर्स है आप मर्जर के बाद, और मर्जर के बाद वैल्यू क्या है, 1120 लाख, तो पर शेयर की वैल्यू आ गया 1120 लाख डिवाइड बाय 12,50,000, और 2.5 लाख शेयर्स को अगर मैं पर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब 224 लाख मैंने दिया। मर्जर से पहले आपकी वैल्यू 200 लाख थी और मैंने मर्जर में आपको क्या दिया, 224 लाख, इसका मतलब ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या है, 24 लाख। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कंसेप्ट का अगर जो है पीछे का जूस पता हो तो फॉर्मूले रटने नहीं पड़ते। तो ये सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन वन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन टू देखेंगे जरा। एक्स लिमिटेड हैज इशूड कॉलेबल 10% बॉन्ड्स विथ 30 ईयर्स मेच्योरिटी। कॉलेबल बॉन्ड्स है विथ 30 ईयर्स मेच्योरिटी, कूपन रेट 10% है, द इशू साइज इज 1 करोड़। इशू कितने का है, 1 करोड़ का, कूपन रेट 10%, लाइफ 30 ईयर्स, फेस वैल्यू कितनी है, 1000। द बॉन्ड्स हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.2%। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1 करोड़ का 1.2%, 1,20,000। इन द ईयर, ये फुल स्टॉप है, इन द ईयर 2011 द कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। द कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। मतलब कॉल ऑप्शन हम 10 साल बाद कर सकते हैं और 20 ईयर्स बाद कर सकते हैं, अब कब करनी है वो ये देखना है। फ्रॉम द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द बॉन्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज 1,50,000,
लाइन गलत पड़ गया. द कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल टू एक्सेल लिमिटेड एट द एंड ऑफ 10 इयर्स एंड 20 इयर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द बॉन्ड. फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 1,50,000. इन द ईयर 2021 एक्सेल लिमिटेड बॉन्ड इश्यू कब हुए थे? 2011 को. और यहां पर क्या कह रहा है? इन द ईयर 2021 एक्सेल लिमिटेड हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इश्यू 8% बॉन्ड्स एट पार विद 20 इयर्स मैच्योरिटी वर्थ ₹1 करोड़. इसका मतलब जो न्यू बॉन्ड है उसका कूपन रेट क्या है? 8%. और बॉन्ड का साइज, इश्यू साइज 1 करोड़ ही है. द ओल्ड बॉन्ड विल बी रिटायर्ड विद द प्रोसीड्स ऑफ द प्रपोज इशू. द फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इसका न्यू बॉन्ड की फ्लोटेशन कॉस्ट 3 लाख है. There will be overlapping interest for the period of 3 months during the course of the present issue. Post-tax cost of debt is 7%. Cost of debt दे रखी है क्वेश्चन के अंदर. Applicable tax bracket is 30%. You are required to advise Excel Limited whether it can proceed with the proposal. Means पुराना bond redeem करके नया bond issue करना है, या नया bond issue करके पुराना bond redeem करना है. पूछ ये रहा है कि हम बॉन्ड रिफंड करें कि ना करें, बॉन्ड रिप्लेस करें कि ना करें. तो ये हमारा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड रिडेम्पशन कब होता है. अगर मैं पुराना बॉन्ड रिडीम करता हूं तो इसका मतलब क्या है? मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे. पुराने बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और नए बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है. इसका मतलब क्या हुआ? पुराने बॉन्ड को जब रिडीम करूंगा तो आज मैंने पुराने बॉन्ड को कैश दिया, और फ्यूचर में क्या होगा अगले 20 साल, क्योंकि 10 साल बाद कॉलेबल हो रहा है. अगले 20 साल में क्या है कि पहले मैं 10% का इंटरेस्ट देता था, अब मैं 8% का दूंगा. तो इसका मतलब अगले 20 साल के अंदर क्या है? 2% की इंटरेस्ट सेविंग होगी. तो हमने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल कब होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स, जो 2% का इंटरेस्ट सेव हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स इज मोर देन कैश आउटफ्लो इन 0 पीरियड. तो इसका क्या है? बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल कब होगी? इसके लिए मुझे दो चीजें निकालनी है कि 0 पीरियड में कैश आउटफ्लो क्या है, और अगले 20 साल के अंदर जो मेरी कैश सेविंग होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. इन दोनों को कंपेयर कर देंगे. अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सेविंग इज मोर देन 0 पीरियड में कैश आउटफ्लो में, तो इसका मतलब बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल है. बट इसके अंदर यह कंसेप्ट देखने वाला है, ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट. इस कंसेप्ट पे यूट्यूब पे हमारा पूरा वीडियो है, पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन ही पूरा चैप्टर वीडियो पे है, यूट्यूब पे है. उसमें हमने 3 से 4 घंटे इसके कंसेप्ट के ऊपर लगाए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उसके ऊपर. हमने क्या लिखा है? बॉन्ड रिप्लेसमेंट इज फीजिबल इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट सेविंग्स इन कैश आउटफ्लोज इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो कैश सेविंग्स है ड्यू टू द इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड is more than net cash outflows at the time of replacement. तो इसका मतलब मुझे दो चीजें निकालनी है कि 0 पीरियड में क्या कैश आउटफ्लोज था, एंड जो कैश सेविंग्स है फ्यूचर अगले 20 साल के अंदर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. तो पहले हम क्या निकालते हैं? कैश आउटफ्लोज 0 पीरियड में. कॉलेबल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड, ये जो ओल्ड बॉन्ड है उसको पे कितना करना है? 1 करोड़. क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि उसको प्रीमियम पे रिडीम करना है. हमने तो और इसके ऊपर और कंसेप्ट डाल के कर रखे हैं, तो वहां चेक करेंगे. ओल्ड बॉन्ड 1 करोड़ का है. टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड 10% बॉन्ड. देखिए क्या है, पुराना बॉन्ड जब इश्यू हुआ था उसकी लाइफ 30 साल की थी, और उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट स्टार्टिंग में 3 लाख की थी. अब हमें पता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ बॉन्ड. तो 30 साल की अगर लाइफ है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय फ्लोटेशन कॉस्ट 1,50,000 की है ओल्ड बॉन्ड की. तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30, तो इसका क्या आ रहा है? 5,000 आ रहा है. अब 5,000 × 10, ये तो अमोर्टाइज हो गया होगा, बट जो बाकी 5,000 × 20 है ये अमोर्टाइज नहीं हुआ अभी, और हम इस बॉन्ड की लाइफ ही खत्म कर रहे हैं क्योंकि 10 साल बाद हम उसको कॉल कर रहे हैं. जब उसको कॉल कर लेंगे तो जो उसका अनअमोर्टाइज पोर्शन है
वो भी हमें आज ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब आज ही प्रॉफिट लॉस में डालेंगे तो उस पर टैक्स सेविंग आएगी। तो टैक्स सेविंग ऑन अनमोर्टाइज्ड कितना हो जाएगा, टैक्स रेट 30% है तो 5000 इंटू 20 इंटू 0.3 30,000। ऐसे ही हमारा डिस्काउंट है, 1,20,000 का डिस्काउंट है डिवाइड बाय 30 कितना आ गया 4,000। 10 साल का अमोर्टाइज हो चुका है, 20 साल का भी अमोर्टाइज होना है, बट हम उसकी लाइफ आज ही खत्म कर रहे हैं तो आज ही बैलेंस अमोर्टाइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 इंटू 20 इंटू 0.3 24,000। ये मेरी टैक्स सेविंग होगी। इसको हम चेक करेंगे अभी। नया बॉन्ड जब हमने इशू किया तो उससे 1 करोड़ आया और फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड 3 लाख है, तो इसका मतलब क्या है, नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो 0 पीरियड के अंदर 4,21,000 का है। कोई कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे फीडबैक देंगे व्हाट्सएप पे। अगर इसकी पीडीएफ कॉपी चाहिए सॉल्यूशन की तो मैंने व्हाट्सएप पे नंबर जो नीचे दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको पीडीएफ कॉपी मिलेगी। तो कैश आउटफ्लो इन 0 पीरियड 4,21,000 है। अगर बॉन्ड रिफंडिंग का प्रपोजल चेक करना है तो 2 चीजें चाहिए। पहली चीज क्या, 0 पीरियड में कैश आउटफ्लो कितना है, उसको कंपेयर हम किससे करेंगे जो अगले 20 साल में कैश सेविंग होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू से। इसका दूसरी चीज क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स, सेविंग्स किस चीज की, कि पहले क्या होता था जो अब नहीं होगा। ठीक है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे कंसेप्ट पूरा समझ आएगा, रटने की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर में सेविंग्स जो है वो कैसे निकालेंगे, पहले मैं 10% का इंटरेस्ट पे करता था जो अब नहीं पे करूंगा और अब मैं 8% का इंटरेस्ट पे करूंगा, तो 10-8 ये 2% की सेविंग तो हुई। तो इसके लिए 2 चीजें निकालनी, सेविंग्स निकालने के लिए 2 चीजें निकालनी, पहले मैं क्या पे करता था जो अब नहीं पे करना है और अब क्या पे करना है। तो पहले क्या है, अब क्या पे करना है, अब क्या पे करना है, अब क्या देना है, अब मुझे 8% देना है। तो 1 करोड़ पे 8% 8 लाख होगा और जब मैं 8 लाख पे करूंगा तो उस पर टैक्स सेविंग आएगी। तो टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट क्या है, 8 लाख का 30% 2,40,000 और न्यू बॉन्ड की फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 3 लाख की बताई है, तो 3 लाख डिवाइड बाय लाइफ उसकी 20 ईयर की है, तो 3 लाख बाई 20 उस पर टैक्स सेविंग 30% 4,500। तो इसका क्या है, 8 लाख का पे होगा और 2,44,500 की टैक्स सेविंग होगी, तो इसका मतलब 5,55,500 का मेरा आउटफ्लो आएगा। ये क्या है, ये क्या है, अब क्या पे करना है, जब मैं 8% का इंटरेस्ट पे करूंगा तो मेरा क्या कैश आउटफ्लो होगा। तो 8 लाख पे जब मैंने इंटरेस्ट पे किया तो एक तो इस पे टैक्स सेविंग आई और फ्लोटेशन कॉस्ट पे टैक्स सेविंग आई, इसका मतलब 5,55,500 का मेरा कैश आउटफ्लो होगा और उसको मैंने किससे कंपेयर करना है, पहले क्या होता था जो अब नहीं होगा। देखिए कुछ कंफ्यूजन आती हैं, तो अगर आपके दिमाग में यह है कि ये 2 चीजों का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं हर बार क्वेरीज के अंदर, तो अगर ये 2 चीजें आपको पता है तो वो जो स्टैंडर्ड क्वेरीज हैं वो नहीं आएंगी। तो मैंने क्या किया, पहले मैं 10% का इंटरेस्ट पे करता था जो अब नहीं पे करना, पहले क्या होता था जो अब नहीं होगा, पहले 10% का इंटरेस्ट पे होता था जो अब नहीं होगा, उसको मैंने किससे कंपेयर करना है, अब क्या करना है, अब क्या पे करना है, 8% का पे करना है। तो मैंने 8% के हिसाब से कैश आउटफ्लो निकाल लिया। अब मुझे कैश आउटफ्लो निकालना है कि पहले क्या कैश आउटफ्लो होता था एनुअली जो अब नहीं होगा। पहले मैं 10% इंटरेस्ट पे करता था 10 लाख जो अब नहीं पे करना है, और जब पहले 10 लाख इंटरेस्ट पे करता था तो उस पर टैक्स सेविंग होती थी 3 लाख की, और पहले जब एनुअली 10% इंटरेस्ट पे होता था तो बॉन्ड जो है पुराना बॉन्ड नॉर्मली चल रहा होता था, तो नॉर्मली उस पर एनुअल फ्लोटेशन कॉस्ट और एनुअल डिस्काउंट राइट ऑफ होता था जो अब नहीं होगा। बट पहले निकालना तो सही ना कि क्या होता था जो क्या नहीं होगा। 1,20,000 का डिस्काउंट था, पूरी लाइफ 30 साल की थी, तो एनुअल जो है 4,000 का आया, उस पर 30% 1,200 का
राइट ऑफ होता था जो अब नहीं होगा, और एमोर्टाइजेशन फ्लोटेशन कॉस्ट 1.5 लाख की पुराने बॉन्ड की फ्लोटेशन कॉस्ट थी, लाइफ 30 साल की थी और 30% उस पर टैक्स सेविंग, तो 1500 जो अब नहीं होगा। तो नेट कैश आउटफ्लो जो पहले होता था और अब नहीं होगा वो 697,300 का है। तो इसका मतलब क्या है, 8% का जब कैश आउटफ्लो अब जो होगा उसमें कैश आउटफ्लो कितना होगा, और 10% का जब होता था जब नहीं होगा तो उसमें कितना होता था, 697,300 जब नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, नेट कैश सेविंग कितनी आ गई, 141,800। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेरीज हैं, अगर इन दो चीजों के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो क्वेरीज नहीं आएंगी। तो इसका मतलब मेरी एनुअल सेविंग कितनी होगी, 141,800, उसको 7% पर मैंने फैक्टर निकाला तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि पुराने बॉन्ड की लाइफ 30 साल की थी, ये जो सेकंड पार्ट है सेविंग्स निकालता था, मैंने क्या किया, मैंने दो चीजों को कंपेयर किया कि पहले क्या पे होता था उसको मैंने कंपेयर किया जो आगे होना है, ये जो बीच का डिफरेंस है ये मेरी टैक्स सेविंग आ गई, सॉरी मेरी सेविंग इन एनुअल कैश सेविंग आ गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, देयर विल बी एन ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंट इशू। किस पे ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मैंने 8% का बॉन्ड इशू किया, यहां पर इशू किया, उससे पैसा आएगा 1 करोड़, तभी ना पुराने वाले बॉन्ड को देंगे। तो इसका मतलब पहले मैंने बॉन्ड जो 8% वाला बॉन्ड है वो इशू किया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बॉन्ड इशू हो जाता है, टाइम लगता है उसके अंदर, इसका मतलब उसको आने में, उसके पैसे आने में 3 महीने लग गए, राइट। और 3 महीने में, 3 महीने बाद मैंने पुराना जो 10% वाला बॉन्ड था वो मैंने रिडीम किया, इसका मतलब नया बॉन्ड यहां पर इशू हुआ, पुराना बॉन्ड यहां पर रिडीम हुआ। इसका मतलब इस 3 महीने के पीरियड में मैंने पुराने बॉन्ड को भी इंटरेस्ट दिया और नए बॉन्ड को भी इंटरेस्ट दिया। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा इसके अंदर, अब आप देखिए, देखिए ये पूरी, इसका पूरा कंसेप्ट जो एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो यूट्यूब पे पूरा वीडियो है इसका, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन है, मैं यहां पर जितना पॉसिबल उतना कर पा रहा हूं। इसका यहां पर इफेक्ट क्या दिखाएंगे, अब देखिए मैंने क्या, ये क्या निकाला है, 8% पे मुझे फ्यूचर में पे करना है और 10% पहले होता था जो नहीं होगा। दोबारा सुनो, 8% एनुअली आगे मुझे पे करना है, आगे मुझे 8% एनुअली पे करना है, एनुअली 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 आगे मुझे 8% एनुअली पे करना है, और पहले मैं 10% एनुअली पे करता था जो नहीं पे करना है। समझ रहे बात को, अगले 20 साल के अंदर, अगले 20 साल के अंदर, ये पर ईयर की बात हो रही है, पर ईयर पर ईयर पर ईयर पर ईयर, हर साल 8% पे करना है, और इसको मैंने कंपेयर किससे किया, 10% जो पहले पे करता था एनुअली जब नहीं पे करना है। इसका मतलब मैंने क्या किया, पूरे साल का मैं 10% इंटरेस्ट पे करता था, अब मुझे पूरे साल का 8% इंटरेस्ट पे करना है। बट यहां पर क्या कह दिया उसने कि पहले साल के अंदर, पहले साल के अंदर मैंने पुराने बॉन्ड पे भी 3 महीने का इंटरेस्ट पे किया है। इसका मतलब मैंने यहां पर क्या बोला, 10% का मुझे इंटरेस्ट पे करना होता था जब नहीं करना, बट पहले साल के अंदर 3 महीने का तो करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 3 महीने के इंटरेस्ट की सेविंग नहीं हुई है। इसका मतलब है 1 करोड़ का 10% 3 महीने का मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, बट मैं यहां से नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि भैया अगले 19 साल के अंदर तो हर साल 10% ही सेव हो रहा है, ये मैंने एनुअली निकाला है, एनुअल 20 साल में हर साल एनुअली बोल रहा था मैं। सिर्फ पहले साल के अंदर 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा सेव नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैंने यहां से उसको माइनस कर दिया, मैंने कहा कह दिया वो सेविंग हो गई जबकि नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
उस सेविंग का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मैंने यहां पर उसको कैश आउटफ्लो में ऐड कर दिया। तो ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट 1 करोड़ पे 10% 3 महीने का, राइट, नेट ऑफ टैक्स वो कितना आ गया, 1,75,000। यहां पर मैंने उसको कैश आउटफ्लो में ऐड कर दिया। पहले मैंने उसको सेविंग से हटा दिया क्योंकि भैया ये तो मैं एनुअली निकाल रहा हूं, ये तो हर साल का है। अगर 3 महीने की सेविंग में दिखाता हूं तो यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अगर यहां दिखा दी तो इसका मतलब 19 साल के अंदर भी जो है वो 3 महीने का सेव हो रहा है, सॉरी पे हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहां पर तो मुझे पूरा ही साल का दिखाना पड़ेगा, बट पहले साल का 3 महीने का यहां पर मैंने एक्स्ट्रा सेविंग दिखा दी जो नहीं होनी चाहिए थी, वो सेविंग को नलीफाई करने के लिए मैंने यहां पर उसको कैश आउटफ्लो में दिखा दिया। तो इधर इतनी ही एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यूट्यूब पे आप मेरा बॉन्ड वैल्यूएशन का वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन कांसेप्ट है, बीच में आपका बॉन्ड रिफंडिंग का कांसेप्ट भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये 4,21,000 का मेरा कैश आउटफ्लो जीरो पीरियड है एंड 15,02,229 का मेरा कैश सेविंग्स है। तो मेरी जो है, सिंस सेविंग्स इज मोर देन कैश आउटफ्लो, तो इसका मतलब बॉन्ड रिफंडिंग पे आपको प्रोसीड करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये आपका मैनुअल के अंदर है, अगर आपने एक दो बार रिवीजन किया होगा तो लास्ट में इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती। बी पार्ट, क्वेश्चन टू का बी पार्ट, ईवीए का सिंपल क्वेश्चन है। इसमें उसने थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश की है, बट रिवर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंसेप्ट ही छोटा सा है। फ्रेग्रेंस लिमिटेड हैज रिपोर्टेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड एज 2.5% प्लस WACC। इसका क्या कह रहा है, नो पैट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2.5 प्लस WACC, और WACC 10% दिया हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 12.5। इसका मतलब मैं कह सकता हूं नो पैट इज इक्वल टू 12.5 कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है ईवीए इज 4 करोड़, ईवीए दे दिया एज ऑन 31st March 2021, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए जो है उल्टा हो गया क्वेश्चन, ईवीए दे दिया हुआ है पर मुझे पता है कि ईवीए होता क्या है, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये आफ्टर टैक्स मुझे दे ही रखा है, तो नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 4 करोड़। अब मुझे पता है कि नो पैट जो है वो 12.5 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड है माइनस WACC कैपिटल एम्प्लॉयड, वो क्या रहेगा 10 कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 4 CR। बट ये देखिएगा ये परसेंट है, तो मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा हुआ परसेंट का इफेक्ट देने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा क्या आ गया 160 करोड़ का आ गया, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व किया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, नो पैट निकालो, जब मुझे पता है कि नो पैट जो है 12.5 CE है, तो 12.5 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड 160 करोड़, 20 करोड़। सिंपल क्वेश्चन था, तो रिवर्स का जो है ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, पहले तो आप देखिए जो है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस कॉन्ग्लोमरेट इज इन नीड टू बोरो 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ बोरो करने टू फाइनेंस एक्सपेंशन ऑफ इट्स कोर करंट ऑपरेशंस। हाउएवर SL इज सबसेप्टेबल टू रेज द अमाउंट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से रेज नहीं होगा। द CFO हैज सजेस्टेड फॉर डाइवेस्टिंग वन ऑफ द टू नॉन प्राइम यूनिट्स टू रिड्यूस द ओवरऑल बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट। क्या कहता है, डाइवेस्ट करना है वन ऑफ द टू नॉन प्राइम यूनिट्स। अब यहां से दिमाग क्या कहा जाता है, डाइवेस्टिंग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। द फॉलोइंग डेटा आफ्टर इंटरनल ड्यू डिलिजेंस हैज बीन प्लेस्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड। रिपोर्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस, ये देखते ही पता लग गया ये तो वैल्यूएशन के आपने 10 क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से वैल्यू ऑफ यूनिट्स निकल जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि आपने 2,000 करोड़ आपको बोरो करने हैं, बट 2,000 करोड़ पूरे मार्केट से नहीं मिलेंगे, इसलिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बाय डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 यूनिट्स में से कोई 1 यूनिट। तो क्या पूछ रहा है, द प्राइस एट विच द यूनिट्स कैन बी डाइवेस्टेड। तो आप क्या करोगे,
इससे आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से आपको पी रेशो दे रखा है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ ईच यूनिट निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, बिफोर टैक्स निकाला 30% का प्रॉफिट दे रखा है, टैक्स दे रखा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स रिड्यूस कर दिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉसेस एडजस्ट कर दिए, प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट भी एडजस्ट कर दिया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% लगाने के बाद पी रेशो या वैल्यू ऑफ बिजनेस दोनों की सेम है। जब वैल्यू ऑफ बिजनेस सेम है तो इसका मतलब किसी भी यूनिट को आप डाइवेस्ट कर सकते हो, बोथ यूनिट्स कैन बी डाइवेस्टेड एट 80-90 crores। उसने पूछा द यूनिट विच कैन बी डाइवेस्टेड सो एज टू मिनिमाइज द बोरिंग, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों में से किसी को भी डाइवेस्ट कर दो। अब यहां पर कुछ बच्चों ने जो है क्या किया, उन्होंने कहा कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, उन्होंने प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट को हटा दिया ताकि दोनों में से कुछ डिफरेंट आंसर आ जाए। आपने क्या किया मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे या जो है कमेंट्स में लिखें। अच्छा, एक्सटर्नल बोरिंग्स क्या होगी, 2000 करोड़ की बोरिंग चाहिए थी, 1890 एक यूनिट डाइवेस्ट करके आ जाएगा तो 110 करोड़ आपको एक्सटर्नल बोरिंग्स है, द अमाउंट ऑफ बोरिंग पूछा उसने। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिंपल लगा, अब ये है असली क्वेश्चन, ये हमारा डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अब जो है डेरिवेटिव का क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस पर मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहूंगा क्योंकि जो है इसका आंसर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों को, तो एक बार इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, पहले समझे क्वेश्चन क्या है। ये मैनुअल का क्वेश्चन है, एक बार ये 2007 में आया था, उसके बाद दो बार रिपीट हो चुका है एज इट इज, जो मैनुअल का कंसेप्ट, मैनुअल का जो क्वेश्चन है उसके बाद उसने एग्जामिनर ने इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी इंडेक्स विथ 4 months मेच्योरिटी इज यूज टू हेज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 3 months। क्या बात है, क्या लाइन है, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी इंडेक्स विथ 4 months मेच्योरिटी इज यूज टू हेज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 3 months। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, आपने उसको 3 months में हेज करना है, बट हुआ क्या कि 3 months का आपको इंडेक्स फ्यूचर मिल नहीं रहा, तो आपने 4 months के इंडेक्स फ्यूचर यूज किया और उससे आपने 3 months के पोर्टफोलियो को हेज कर दिया, राइट। हमने क्लास में एग्जांपल लिया था कि मैं अगर किसी मॉल में जाता हूं और मैं मुझे 34 साइज की ट्राउजर चाहिए, ठीक है, तो मैंने 34 के पैनल में देखा मुझे कोई डिजाइन पसंद नहीं आया, मैंने 36 साइज के जो है पैनल में देखा मुझे एक डिजाइन पसंद आया, मैंने वेंडर से पूछा कि क्या मुझे ये डिजाइन 34 में मिल जाएगा, उसने कहा नहीं ये डिजाइन खत्म हो चुका है 34 में, तो मैंने सोचा कि 36 का डिजाइन परचेज कर लेता हूं एंड उसको ऑल्टर करके मैं 34 साइज का कर दूंगा, बट मुझे तो 34 साइज की चाहिए। अब 36 साइज का जो है उसका प्राइस 1200 है और 34 साइज का प्राइस 1000 है। अब इसमें मेरे पास डिलेमा ये कि मुझे तो चाहिए 34 साइज, अब मैं तो शॉपकीपर की सेल कर रहा हूं कि 36 का साइज को यूज करके 34 का लेकर आ रहा हूं, तो मैं उसको क्या कहूंगा कि भैया 1000 का दे दे, बट शॉपकीपर क्या कहेगा कि भाई साहब आप 36 की ट्राउजर ले जा रहे हैं, अब आप ऑल्टर तो तब करेंगे ना जब ये आपकी होगी, और आपकी होने के लिए पहले आपको परचेज करना पड़ेगा और परचेज करने के लिए 1200 देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप पहले परचेज करो उसके बाद ऑल्टर करोगे और परचेज करने के लिए 1200 का प्राइस दो। इसका मतलब आप यूज किस चीज के लिए कर रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, प्राइस तो उसी चीज का निकलेगा जो आप बाय कर रहे हो। अब यहां पर क्या कहता है, 4 months इंडेक्स फ्यूचर प्राइस, 4 months का इंडेक्स फ्यूचर यूज किया जा रहा है 3 months के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। इसका मतलब क्या है, 4 months का पोर्टफोलियो, 4 months का इंडेक्स फ्यूचर मैं यूज कर रहा हूं टू हेज पोर्टफोलियो फॉर 3 months। तो अगर मुझे प्राइस निकालना पड़ेगा इंडेक्स फ्यूचर का तो 4 months का निकालूंगा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब समझ आया, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी इज 50 times ऑफ द इंडेक्स, तो वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी 50 times इंडेक्स। देखिए ये है, ये मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क, अभी आप देखिए इसका मतलब क्या होने बोला जो भी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल,
पोर्टफोलियो कितने का है? 116 लाख। बीएससी सेंसेक्स, ये लाइन मार गई, ये है एडिशन। बीएससी सेंसेक्स और 1 जनवरी 2022, एंटीसिपेटेड ऑन 1 सितंबर 2021। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने खत्म हो गए। 1 जनवरी की बात कर रहा है, 1 जनवरी की, इसके अंदर दिसंबर के बाद 4 महीने हो गए। कहता है बीएससी सेंसेक्स 1 जनवरी 2022 की है, बट एंटीसिपेट कब किया गया? ये तो एंटीसिपेटेड है, एक्चुअल नहीं है ये। एंटीसिपेटेड ऑन 1 सितंबर 2021, 58,580। इसका अंदर क्या है? अगर ये जनवरी है और ये सितंबर है, इसका मतलब इंडेक्स फ्यूचर प्राइस जनवरी का, बट किस डेट को? इस डेट को, 1 सितंबर को, समझ आया? अब ये क्या कहता है? बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 2022, अच्छा ये भी 1 जनवरी 2022, ये भी 1 जनवरी 2022, ये भी 1 जनवरी 2022, बट ये क्या है? एंटीसिपेटेड ऑन 1 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2021। ये जो प्राइस दिया हुआ 58,580, ये प्राइस दिया हुआ एंटीसिपेटेड कब? 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। 1 जनवरी का प्राइस 58,580 है, उसके बाद 1 दिसंबर को, 1 जनवरी का प्राइस 56,641 है। इसका मतलब क्या है? डिविडेंड यील्ड दे रखा है 6% और 181 ट्रेजरी बिल्स दे रखा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.5, ये एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन है जो आपके मैनुअल के क्वेश्चन के अंदर थी। ये एंटीसिपेटेड वाली फिगर डाल के मार दिया इसने। और उसके बाद डिमांड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एज ऑन 1 सितंबर 2021। अगर ये 1 सितंबर 2021 पूछ रहा है तो ये क्या दिया हुआ है? फिर टर्नड आउट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एज ऑन 1 दिसंबर 2021, टर्नड आउट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एज ऑन 1 दिसंबर 2021। अब ये क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज, चलो करीबी चीज है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले पहले ये देखें कि हमारे मैनुअल का क्वेश्चन क्या है। और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एग्जामिनर ने क्या किया, उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। तो उसी क्वेश्चन को जब रिवर्स किया तो पहले उसी क्वेश्चन को देखें, प्लीज देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे। अगर ये समझ आ गया, जो कि आपने किया ही हुआ है, आई होप आपने क्रैम ना किया होगा क्वेश्चन, ये समझ आ गया तो वो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने डेरिवेटिव के अंदर जो यूनिफॉर्म कंसेप्ट हमने ये पढ़े हुए हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए 2 मार्केट चाहिए। मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, चांदनी चौक में साड़ी 10,000 रुपए की और चंडीगढ़ में साड़ी 16,000 रुपए की, तो प्रॉफिट कैसे कमाएं? तो चांदनी चौक में 10,000 का खरीदेंगे और चंडीगढ़ में 16,000 का बेचेंगे। इसका मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए 2 मार्केट चाहिए, एक चांदनी चौक की, एक चंडीगढ़ की। इसलिए हम हमेशा कंसेप्ट 2 मार्केट से पढ़ते हैं। 2 मार्केट क्या है? एक हमारी स्पॉट मार्केट है, एक हमारी फ्यूचर मार्केट है, राइट? अब यहां पर बीएससी इंडेक्स दे रखा है, बीएससी इंडेक्स, इंडेक्स फ्यूचर नहीं बोल रहा, बीएससी इंडेक्स बोल रहा है। तो इसका स्पॉट का प्राइस दिया हुआ है 5,000, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10,10,000 है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% है, डिविडेंड यील्ड 6% है, बीटा पोर्टफोलियो 1.5 है, मैनुअल का क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन सेम है, जॉब के पेपर में भी है। ये मेरा पोर्टफोलियो 10,10,000 रुपए का, वो एज्यूम दैट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएससी इंडेक्स विद 4 मंथ्स मैच्योरिटी इज यूज्ड टू हेज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये वही लाइन है कि 4 महीने का इंडेक्स फ्यूचर यूज किया जा रहा है उस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए जो 3 मंथ्स का है, मतलब 3 मंथ्स की हेजिंग के लिए 4 मंथ्स का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जा रहा है। 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50 डिलीवरी इंडेक्स, ये तो वही इंफॉर्मेशन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब प्राइस तो उस चीज का निकालेंगे ना जो चीज आप परचेज कर रहे हो, ठीक है? अब आप जो है 4 मंथ्स का इंडेक्स फ्यूचर यूज कर रहे हो 3 मंथ्स की हेजिंग के लिए,
राइट, तो प्राइस तो 4 मंथ्स का ही निकलेगा। तो हम जो है इसका 4 मंथ्स का प्राइस कैसे निकालते हैं, करंट मार्केट प्राइस 1 + R - डिविडेंड यील्ड डिवाइडेड बाय 12 × 4। आप ईआरटी से भी कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस इंटू ईआरटी, ये भी पॉसिबल है, बट यहां पर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग लिखा नहीं हुआ। तो करंट मार्केट प्राइस इंटू 1, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। करंट मार्केट प्राइस क्या है 5000 इंटू 1 + R क्या है 0.09 - 0.06 डिवाइडेड बाय 12 × 4, ये करंट मार्केट प्राइस आ गया। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 5050 आया, तो यहां पर फ्यूचर का प्राइस आ गया 5050। क्या स्पॉट का प्राइस दे रखा है और पूछा क्या है इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस, तो मैंने फ्यूचर का प्राइस निकाल दिया। और ये वो फ्यूचर का प्राइस निकाला है जो 4 मंथ्स फ्यूचर है। अब आप ये देखो कि जो हमारा पेपर है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें क्या कहता है। अगर मैं ये लाइन देखूं, मैंने कहा दो मार्केट हैं, स्पॉट और फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर। बीएसई सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 2022, एंटीसिपेटेड ऑन 1 सितंबर 2021। इसका मतलब क्या है, 1 सितंबर को एंटीसिपेट कर रहे हैं 1 जनवरी का प्राइस, 4 महीने बाद का प्राइस, तो ये इंडेक्स फ्यूचर है, स्पॉट नहीं है ये। इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ, ये 58580 मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस दिया हुआ है। और मांग क्या रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स, इसका मतलब स्पॉट प्राइस मांग रहा है, स्पॉट प्राइस। तो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू मुझे दे रखी है, करंट मार्केट प्राइस इंटू 1 + R - डिविडेंड यील्ड अपॉन 12 × 4। इसमें क्या फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर ने जो मैनुअल का क्वेश्चन है उसको ही रिवर्स कर दिया। तो अब देखिए इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 58580, करंट मार्केट प्राइस निकालना है 1 + R - डिविडेंड यील्ड अपॉन 12 × पीरियड, पीरियड 4 है, तो ये मेरा आ गया, करंट मार्केट प्राइस 58000 का आ गया। तो इसका अंदर स्पॉट प्राइस इंडेक्स की आ गई 58000 की आ गई, समझ आया। इसका अंदर क्या है, जो मेरा मैनुअल का क्वेश्चन था, मेरे मैनुअल के क्वेश्चन में स्पॉट प्राइस दिया हुआ है, फ्यूचर प्राइस निकालने को कह रहा है। पेपर के क्वेश्चन में फ्यूचर प्राइस दे रखा है, स्पॉट प्राइस निकालना है, बस हमें यह पता लगाना है कि प्राइस जो दे रखा है वो फ्यूचर का प्राइस है। क्योंकि क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2022 को सेंसेक्स, जो 1 जनवरी 2022 का प्राइस 1 सितंबर 2021 को एंटीसिपेट किया हुआ है, एंटीसिपेट, तो फ्यूचर हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अब यहां पर देखो क्या कहता है, जो मैनुअल का क्वेश्चन है उस पर सेकेंड पार्ट क्या है, कहता है गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन निकालो इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4503 मंथ्स। इसको समझेंगे जरा प्रॉपरली, जो मैनुअल का क्वेश्चन है, मैनुअल के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में उसने मुझे स्पॉट का 5000 दे रखा है, नजर आ रहा है, और उसने मुझे क्या निकालने को कहा, मैनुअल में फ्यूचर का प्राइस निकालने को कहा, जो कि डायरेक्टली पूछ लेता तो मैं आराम से निकाल देता, वो 5050 है, वो जो मेरा कंसेप्ट है उससे मैंने निकाल लिया। बट जो पेपर के अंदर क्वेश्चन है उसके अंदर मुझे 58580 फ्यूचर का प्राइस गिवन है, मैंने रिवर्स करके क्या निकाल दिया, 58000 मैंने स्पॉट का प्राइस निकाल दिया। अब मैनुअल के अंदर सेकंड पार्ट क्या कहता है, मैनुअल के अंदर कहता है गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स निकालो, ये समझने की जरूरत नहीं है, इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4503 मंथ्स। कहता है हमने 4 मंथ्स का प्राइस यूज किया, कहता है 3 मंथ्स के बाद इंडेक्स का प्राइस 4500 है, 3 मंथ्स के बाद इंडेक्स का प्राइस, इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी, क्या बोल रहा,
इफ इंडेक्स टर्न आउट टू इंडेक्स फ्यूचर नहीं, इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4500, तो इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4500 आफ्टर 3 मंथ्स, मुझे क्या करना है, हेजिंग करनी है, मुझे यहां पर हेजिंग करनी है, ठीक है। अब हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा हुआ है कि स्पॉट का प्राइस 4500 है तो इंडेक्स का प्राइस भी 4500 होगा, ये हमारा कंसेप्ट है। बट कंसेप्ट हमारा क्या है कि अगर 3 मंथ्स की इंडेक्स 4500 है तो 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस इज 4500। क्या बोल, क्या बात है, ये समझने वाली बात है, क्या बात है? अगर इंडेक्स का प्राइस 4500 है तो 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस 4500 होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। बट हमने यहां पर, हमें 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यहां पर 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर परचेज किया या जो भी मैंने किया हुआ है, अगर मैंने पोर्टफोलियो परचेज किया है तो इंडेक्स फ्यूचर सेल किया होगा, यहां पर मैंने 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर सेल किया हुआ है। अगर मुझे यहां पर हेजिंग करनी है तो यहां पर मुझे 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स चाहिए, 3 महीने के बाद 4 मंथ्स के इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस क्या होगा। जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, इंडेक्स का प्राइस अगर दिया हुआ तो इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस सेम होगा, पर इंडेक्स फ्यूचर 3 महीने के इंडेक्स दिया हुआ है तो 3 महीने के इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस सेम होगा ना, बट यहां पर तो मुझे 4 मंथ्स के इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस निकालना है आफ्टर 3 मंथ्स। करंट मार्केट प्राइस मुझे पता है, वही कंसेप्ट है, करंट मार्केट प्राइस 1 + R - डिविडेंड यील्ड डिवाइड 12 × 1। तो यहां पर 4500 1 + 0.09 - 0.06 डिवाइड 12 × 1, ये मेरा निकल जाएगा, समझ आया। अब यहां पर देखो जरा पेपर में क्या पूछ रहा है, पेपर में मुझे क्या दिया हुआ है, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22, अगर इतना ही होता तो ये स्पॉट होता, एंटीसिपेटेड ऑन 1 जनवरी 21, एंटीसिपेशन, सोच रहे हैं, इसका मतलब फ्यूचर प्राइस है, इसका मतलब क्या है, 56641.25 फर्स्ट दिसंबर का जो प्राइस दिया हुआ है मुझे ये दिया हुआ है 56641.25, फर्स्ट जनवरी को जो प्राइस, फर्स्ट जनवरी का प्राइस ऑन 1 दिसंबर, 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। अब उसने क्या पूछा, टर्नड आउट वैल्यू ऑन 1 दिसंबर, मैनुअल के क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, नजर आ रहा है, मैनुअल के क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, यह निकालना है, यह वाला निकालना है, 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। यहां पर उसने मुझे 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स दे दिया, टर्नड आउट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या है, फिर से मुझे करंट मार्केट प्राइस निकालना है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस 1 + R - डिविडेंड यील्ड डिवाइडेड 12 × 1। फ्यूचर वैल्यू मुझे पता है 56641.25, करंट मार्केट प्राइस निकालना है 1 + 0.09 - 0.06 डिवाइडेड 12 × 1। समझे, तो एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन उल्टी कर दी, बट उल्टी करने के चक्कर में उसने जो लैंग्वेज यूज की है उसे हमें उल्टी आ गई। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इनफैक्ट जो मैनुअल का क्वेश्चन से सिंपल था क्योंकि वहां पर तो गेन्स की बात हो रही है, बट यहां पर कोई गेन वेन की बात नहीं हो रही, यहां पर गेन निकालने को नहीं कह रहा है। तो जो मेरा सेकेंड पार्ट है, टर्न आउट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एज ऑन 1 दिसंबर 21, तो आप देखिए टर्न आउट वैल्यू क्या निकाली, मुझे 56641.25 की वैल्यू दे रखी है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, फ्यूचर वैल्यू 56641.25, करंट मार्केट प्राइस निकालना है तो मैंने ऐसे करके निकाल दी, और यहां पर क्या आ गया 56219.60। तो देखिए जब मैं बात कर रहा था फ्रेमवर्क की, तो मैं इसकी बात कर रहा था, फ्रेमवर्क ऑप्शंस में भी ये कंसेप्ट यूज होता है, फ्यूचर्स में भी ये कंसेप्ट यूज होता है, बीटा में ये कंसेप्ट मुझे क्वेश्चन में गुम होने से बचा लेता है।
तो डेरिवेटिव का पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर एक ही कंसेप्ट पे चलता है, चाहे वो ऑप्शंस की बात है, चाहे वो फ्यूचर्स की बात है, चाहे वो हेजिंग थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स की बात है। तो जब स्टार्टिंग से एक ही कंसेप्ट चल रहा है तो एंड में जो एडिशनल चीजें हैं वो नजर आनी शुरू हो जाती, क्योंकि स्टार्टिंग से जो है जब इंफॉर्मेशन को होल्ड करना आता है तो नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की आपकी एबिलिटी हो जाती। तो प्लीज जो है क्वेश्चंस को क्रैम करने से कुछ नहीं होगा, डेरिवेटिव अगर क्रैम करेंगे आपको पता लास्ट में जो है डेरिवेटिव चार चार घंटे ले लेता है। अगर कंसेप्ट एक ही रहेगा तो एक घंटे में डेढ़ घंटे में पूरा डेरिवेटिव रिवाइज होता है, क्योंकि कुछ टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जैसे बायनॉमियल मॉडल है, इसके रिवीजन की जरूरत नहीं है, बट बहुत बड़ा टॉपिक है। और लास्ट में क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो आपने जो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलते हैं ये हमने फॉर्मूले से नहीं किया हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स सोल्ड कितने का होगा, 116 लाख इनटू जो आपका बीटा है 1.5, ये इंडेक्स फ्यूचर्स सोल्ड आ गए। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स 58,580 का, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो अगर जो है निकाला होता तो हम वही लेते, मतलब अगर ये निकालना होता तो तभी 58,580 लेते। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स सोल्ड आ गए और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 है तो उसको डिवाइड 50 कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। लोगों ने फॉर्मूले से पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले फॉर्मूले कुछ नहीं है, धंधा ही, प्रॉफिट निकालना हर किसी को आता है, लॉजिक से चलेंगे इसको जो है क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनर की दाद देनी पड़ेगी कि उसने सोचा, मतलब कॉपी नहीं किया हुआ कहीं से क्वेश्चन, ये ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, बट एक ही पेपर में इतने सारे टिपिकल क्वेश्चन, मैनुअल के क्वेश्चन से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और डिमांड की गई है, उसमें फर्दर कंसेप्ट चलता है, स्टेटमेंट बनती है गेन की, गेन ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स। ओके, तो क्वेश्चन थ्री का भी इसको जब मैंने सॉल्व किया तो अंदर से तृप्ति हुई है। और देखिए मैं भी सॉल्व इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि जो है मेरा पढ़ा पढ़ा के कंसेप्ट जो है फ्रेमवर्क बन गया हुआ है। और देखिए क्या है कि जो है शुरू से ही चीजें उठाते हुए चलेंगे तो एंड तक हर चीज उठ जाएगी, नहीं तो क्रैम करते हुए चलेंगे तो शुरू की चीज आपकी गिर जाएगी, एंड में उठाने जाओगे वो भी हाथ नहीं आएगा। तो डेरिवेटिव फॉरेक्स पोर्टफोलियो जैसे चैप्टर्स बड़े स्ट्रेटजी वाइज एंड क्लास में बैठे हुए ही समझ आना चाहिए, घर जाके कुछ नहीं होता। और अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार आपने जो है डेरिवेटिव किया उसको लास्ट डे रिवाइज करेंगे या लास्ट मंथ में रिवाइज करेंगे। डेरिवेटिव चैप्टर ऐसा है कि आपको कम से कम दो तीन रिवीजन पहले देनी पड़ेगी। फॉरेक्स भी ऐसा ही। क्वेश्चन फोर का ए, होमाटा अ जापानीज कॉर्पोरेशन हैज सोल्ड गुड्स टुडे टू पीकॉक लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ JPY 74 लाख। इसका मतलब क्या है, इंडियन कंपनी ने जापानीज कंपनी से 74 लाख का येन, सॉरी 74 लाख येन के गुड्स परचेज किए, तो इसका मतलब इंडियन कंपनी ने पे करना है। आज 74 लाख येन के गुड्स परचेज किए हैं और आपने 74 लाख येन पे करना है। द पेमेंट विल बी ड्यू इन 3 मंथ्स, 3 महीने बाद पे करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एट टुडे स्पॉट रेट इट इज इक्वल टू 50 लाख। आज के स्पॉट रेट के हिसाब से 50 लाख रुपीज है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस समय स्पॉट रेट निकाल लूंगा, मैंने स्पॉट रेट निकाल लिया, प्रेजेंटेशन लिखे इंडियन कंपनी हैज टू पे 74 लाख येन टू जापानीज कंपनी आफ्टर 3 मंथ्स एट स्पॉट रेट टुडे इंडियन कंपनी हैज टू पे 50 लाख INR टू बाय 74 लाख JPY स्पॉट रेट। ये आपने सिर्फ यही लिखना है, फॉरेक्स में आंसर के साथ प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो स्पॉट रेट आ गया। अच्छा, स्पॉट रेट जो है मैंने इसमें येन बाय रुपी करके निकाला है, क्यों, बिकॉज यहां पर भी नीचे ऐसी दिया हुआ है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट INR विल डिक्लाइन बाय 10%, INR डिक्लाइन बाय 10% ओवर द 3 मंथ पीरियड। अब यहां पर सिर्फ ये नहीं लिखा कि INR डिक्लाइन बाय 10%, अगर इतना लिखा होता तो 10% पर आना मानता हूं, बट यहां पर ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ है, इसका मतलब 10% ही डिक्लाइन हुआ है।
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द येन पेमेंट्स, पीकॉक डिसाइड्स टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और 3 month फॉरवर्ड रेट प्रेजेंटली कोटेड एट दिस दिया हुआ है। तो 3 महीने का फॉरवर्ड रेट मुझे दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस टू द इंपोर्टर। अब देखिए, जो है फॉरवर्ड मार्केट हेज के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो है नॉर्मली स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या रहता है कि हेजिंग करें कि ना करें, तो विदाउट चेकिंग द डिमांड, सारे स्टूडेंट्स का आंसर हमेशा इसी फॉर्म में आता है कि हेजिंग करें कि ना करें। बट यहां पर उसने ये नहीं पूछा कि हेजिंग करें कि ना करें, उसने ये कहा कि एक्सपेक्टेड लॉस टू द इंपोर्टर क्या होगा एंड इंपैक्ट ऑफ हेजिंग क्या होगा। तो इसका मतलब हेजिंग की इंफॉर्मेशन सेकंड पार्ट में आनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या मांगा है कि उसका लॉस क्या होगा अगर हेजिंग ना करे तो। इसका मतलब क्या है, 3 महीने बाद अगर वो स्पॉट प्राइस पे करता है, परचेज करता है 74 लाख येन, तब उसका लॉस कितना होगा। और क्योंकि वो जो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, इसका मतलब 10% डिक्लाइन से स्पॉट प्राइस ही निकलेगा और मुझे 1.44 दिया हुआ है इनटू 0.9 कर देंगे, या आप जो है वो आपके कंसेप्ट है एस माइनस एफ अपॉन एफ या एफ माइनस एस अपॉन एस, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। बट हमने उसका शॉर्टकट भी निकाला हुआ है कि अगर इंसिडेंटल करेंसी सॉरी बेस करेंसी के ऊपर अगर आपने डिस्काउंट लोड करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने क्या किया, ये मेरा टाइम बचा स्पॉट पर। यहां पर क्या है, इफ इंडियन कंपनीज पेज 74 लाख येन आफ्टर 3 months एट स्पॉट रेट आफ्टर 3 months प्रेजेंटेशन, और स्पॉट रेट आफ्टर 3 months कितना है 1.48, जो स्पॉट है 1.48 जो स्पॉट है इनटू 0.9 ये आ गया, और स्पॉट प्राइस पे पे कितना करना है 55.566 लाख। इसका मतलब क्या है, अगर आप आज पे करते हैं तो 50 लाख देने पड़ेंगे 74 लाख येन को बाय करने के लिए, और अगर आप 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस पर परचेज करते हैं तो 55 लाख.55 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, 5.56 लाख आपका लॉस हो गया। तो लॉस कितना आ रहा है 5.556 लाख। उसने क्या पूछा सेकंड पार्ट में, इंपैक्ट ऑफ हेजिंग टू बाय अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर हेज ले लिया होता तो क्या होता, हेज पे मैंने इतने पे करना है। इफ फॉरवर्ड मार्केट हेज इज टेकन, सेकंड पार्ट, इंडियन कंपनी विल बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टुडे टू बाय 74 लाख येन आफ्टर 3 months एट दिस, तो इसका अंदर इतना पे करना है। स्पॉट पे 50 था, आज 50 था, अगर 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस पे करते 55.556, अगर फॉरवर्ड पे करते तो 51.89। यहां पर 5.56 का लॉस है, यहां पर 1.89 का लॉस है, तो लॉस कितनी सेविंग हो गई, फॉरवर्ड मार्केट हेज की वजह से लॉस 4.167 लाख से रिड्यूस हो गया। तो इंपैक्ट ऑफ हेजिंग, प्रॉपर आंसर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर मार्क्स। नॉर्मली जो है फॉरेक्स क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती, तो 8 मार्क्स फ्री के मार्क्स नहीं, ये मैनुअल का क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन 4 ये बी पार्ट, ये भी जो है आपका मैनुअल का क्वेश्चन है, पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देर आर 2 म्यूचुअल फंड्स ए एंड बी ईच हैविंग क्लोज्ड एंडेड इक्विटी स्कीम्स, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट कब है, 31 दिसंबर 2 म्यूचुअल फंड्स है, नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 20 ऑफ इक्विटी स्कीम्स ए, नेट असेट वैल्यू कितनी दे रखी है 80.10 और दूसरे की 64.60। क्या कहता है, 80.10 में कंसिस्टिंग 98% इक्विटी, रिमेनिंग कैश, तो 98% इक्विटी रिमेनिंग कैश, और उसमें 97% इक्विटी एंड द बैलेंस इन कैश। पर्टिकुलर जो इक्विटी स्कीम शार्प रेशो दे रखा है, तो शार्प रेशो आते ही मैंने फॉर्मूला खोल दिया, शार्प रेशो 2.5 है, इसका 3.2 है, फॉर्मूला खोला, स्टैंडर्डाइजेशन दे रखा है, तो इक्वेशन क्या आ गई, आर माइनस आर एफ दिस, आर माइनस आर एफ दिस, ट्रेनर रेशो दे रखी है, मैंने फॉर्मूला खोला, आर माइनस आर एफ मेरे पास ऊपर है, बीटा निकल जाएगा, बीटा ए का भी निकल गया, बीटा बी का भी निकल गया। देर इज नो चेंज इन द पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब शेयर कुछ एक्स्ट्रा परचेज नहीं किए, एंड द एनुअल एवरेज कॉस्ट इज 3 per unit फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ द म्यूचुअल फंड्स, एनुअल कॉस्ट 3 per unit। कहता है एज्यूम 30 days इन अ मंथ, कंप्यूट द 2 decimal पेज ओनली, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनएवी पर यूनिट आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद की एनएवी निकालनी फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ द, इफ द शेयर मार्केट, क्या बात,
इफ द शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 4% अ मंथ। तो बीटा मैं निकाल चुका हूं, अगर मार्केट 4% से गिरती है तो शेयर कितने से गिरेगा? मार्केट का बीटा 1 होता है, 1 बीटा के लिए 4% गिरा है, इसका बीटा कितना है? 1.42 बीटा के लिए कितना शेयर गिरेगा? यूनिटरी मेथड से मैंने निकाल लिया, 1.42 इंटू 4, कोई फॉर्मूला नहीं है, और यहां पर बीटा 1.07 है, तो 1.07 इंटू 4, इसका मतलब यहां पर शेयर फेल किया 1.568, यहां पर 4.28, इधर शेयर 78.5 के थे और इतना परसेंट गिर गया, तो कितनी वैल्यू बची, इधर कितनी वैल्यू बची? और कहता है एनुअल एवरेज कॉस्ट 3 पर यूनिट है पूरे साल की, तो इसका मतलब मुझे तो एक मंथ की आने भी चाहिए, तो 3 / 12, तो 0.25 पर मंथ कॉस्ट है। तो कैश 1.6 का था यहां पर, इधर 1.94 का था, कैश हटा दिया तो एने भी आ गई। सिंपल क्वेश्चन, 8 मार्क्स का किया हुआ क्वेश्चन, मैनुअल का। अभी हमारा क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट लगा लेते हैं इसके ऊपर भी। एक्स वाई जेड लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू रिप्लेस एक्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज 2,50,000। हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम से सारी इंफॉर्मेशन नजर आती है, ये तो क्वेश्चन सिंपल है। कहता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज 2,50,000 एंड इट वॉज इंस्टॉल्ड 5 years ago. करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द सिस्टम इज 50,000, इसका मतलब 5 years ago की बात हो रही है, तो ये 5 years के बाद की बात हो रही है। यहां पर सेल्वेज वैल्यू कितनी है? अच्छा, लाइफ ऑफ द सिस्टम इन 10 years, 10 साल की लाइफ दे रखी है। करंट वैल्यू ऑफ द सिस्टम इज 50,000, 5 years ago, तो इसका मतलब आज की वैल्यू 50,000। द लाइफ ऑफ द ओल्ड सिस्टम इज 10 years, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू सिस्टम इज 5 lakh। आज जब रिप्लेसमेंट आज की बात हो रही है, तो आज न्यू सिस्टम की वैल्यू 5 lakh है, विद एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 years कितना हो गया? 10,000। तो ये मेरा एच शेप का मेरा डायग्राम बन गया। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, नहीं तो WDV के बेसिस पे होता तो बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसमें ये डायग्राम हेल्प करता है। 50,000 पर ईयर एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग्स विद अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, रिप्लेसमेंट के बेनिफिट की बात कर रहा है, ये सेविंग्स है। और इंक्रीज इन सेल्स विद अ न्यू सिस्टम इज अज्यूम टू बी 10% पर ईयर बेस्ड ऑन द ओरिजिनल टोटल सेल्स ऑफ 10 lakh। इसका मतलब हर साल 50,000 की सेविंग तो होगी, तो अगले 5 साल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 50,000 की तो सेविंग होगी कॉस्ट। और कहता है 10% पर ईयर मेरी सेल्स बढ़ रही है, पर यहां पर उसने क्या बोला, 10% पर ईयर बेस्ड ऑन ओरिजिनल सेल्स ऑफ 10 lakh। इसका मतलब क्या, ओरिजिनल सेल 10 lakh की है, तो फर्स्ट ईयर में भी ओरिजिनल सेल्स के बेसिस पे 10% बढ़ेगा, सेकंड ईयर में भी ओरिजिनल सेल्स के बेसिस पे 10% बढ़ेगा, थर्ड ईयर में भी ओरिजिनल सेल्स के बेसिस 10% बढ़ेगा, तो हर साल 1 lakh बढ़ेगा। तो इसका मतलब मुझे हर साल के अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर के मतलब 1 to 5 years का एक ही है, 50,000 की कैश सेविंग है एंड 1 lakh का इंक्रीज इन सेल है। एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉलोज SLM डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और टैक्स रेट 30% है। तो इसमें मेरा रिप्लेसमेंट का पूरा फॉर्मेट है, कैपिटल बेटिंग पूरा मेरा यूट्यूब पे है, हमने फॉर्मेट जो है 7 घंटे लगा के फॉर्मेट ही डिस्कस किया हुआ। कैश आउटफ्लोस रिप्लेसमेंट के लिए मुझे नई मशीन परचेज करनी है और नई मशीन परचेज करते ही 50,000 का मैं होलसेल कर दूंगा, SLM बेसिस पे है तो यहां पर टैक्स कंसिडरेशन नहीं है। 4,50,000 कैश आउटफ्लो फैक्टर 1 दिस। कैश इनफ्लोस, वर्किंग कैपिटल की बात ही नहीं कर रहा, कैश इनफ्लोस एडिशनल सेल्स 1 to 5 years के अंदर 5 lakh की है, 1 lakh की है, और सेविंग इन कॉस्ट 50,000। इंक्रीमेंटल पीबीडीटी, इंक्रीमेंटल पीबीडीटी में से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ओल्ड की परचेज प्राइस 2,50,000 का था, उसकी लाइफ 10 की थी, तो 25,000। ओल्ड की मुझे 10 साल बाद की सैलरी वैल्यू नहीं देखी, नहीं दी हुई, इसलिए मैंने माइनस नहीं की, बट न्यू की मुझे सैलरी वैल्यू दे रखी है, तो 5 lakh माइनस 10,000 बाय 5 98,000, एडिशनल डेप्रिसिएशन 73,000, इंक्रीमेंटल पीबीटी 77,000, पीएटी कितना आ रहा है 30% टैक्स बाद 53,900, डेप्रिसिएशन ऐड भी किया तो 126,900 कैश इनफ्लोस, तो 126,900 कैश इनफ्लोस 1 to 5 year एंड फैक्टर, क्वेश्चन में दे रखा है फैक्टर, ये आ गया।
10,000 सेल्वेज वैल्यू, क्योंकि एसएलएम बेसिस पे है तो कोई टैक्स नहीं है। 5670 एनपीवी 13,145, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन जो है, बच्चों ने क्वेरीज ये पूछ ली कि सर 10% पर ईयर है तो पहले साल के अंदर 1 लाख बढ़ने चाहिए, दूसरे साल के अंदर 1,10,000, 11 लाख के बेसिस पे। ऐसा नहीं है। आप देखो ना, अगर मुझे ऐसा होता तो 5 साल का मुझे अलग अलग बनाना पड़ता कैश इनफोर्स, 5 साल का अलग अलग फैक्टर दिया होना चाहिए था, पर यहां पर मुझे तो एनुटी फैक्टर दिया हुआ है, 5 साल का अलग अलग फैक्टर नहीं है। यहां से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। पेपर के अंदर जहां से इंफॉर्मेशन मिले वो बेटर है। तो कैपिटल बजटिंग का सिंपल क्वेश्चन 8 मार्क्स का, क्वेश्चन 4 भी पूरा सिंपल था, क्वेश्चन 5 का ए भी सिंपल था, क्वेश्चन 5 का बी भी सिंपल है अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू अच्छे से आती है तो। मिस्टर ब्राइट हैज परचेज अ रेजिडेंशियल फ्लैट फॉर 36 लाख इन द ईयर 2019। एक मिनट, मिस्टर ब्राइट हैज परचेज अ रेजिडेंशियल फ्लैट फॉर 36 लाख इन द ईयर 19। ही हैज मेड डाउन पेमेंट ऑफ 1,288,500। तो 36 लाख में से 1,288,500 अगर आपने अपने डाउन पेमेंट की है फ्रॉम हिज ओन फंड्स, ही हैड टेकन हाउसिंग लोन फॉर द बैलेंस अमाउंट। इसका लोन अमाउंट ये आ गया, फॉर द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द लिबरल बैंक एट द रेट ऑफ 100 बेसिस पॉइंट ओवर द बीपीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट से ऊपर 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। द लोन इज रीपेबल इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर ओवर द 6 ईयर्स। इसका मतलब जो भी लोन है दैट इज पेबल इन 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे करना है। बीपीएलआर दिया हुआ 7%, इसका मतलब जो है लोन का रेट क्या हो गया 8%। फर्स्ट पार्ट में क्या मांग रहा है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल फ्रॉम 2019 ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारा कंसेप्ट क्या है, आप देखो 36 लाख का फ्लैट है, 1,288,500 मेरा लोन है, मैंने डाउन पेमेंट है, तो 23,11,500 मेरा लोन आ गया, तो 23,11,500 मेरा लोन है और उसको 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे करना है और इन 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 8% का मेरा इंटरेस्ट है। अगर मुझे एक तरह से एनुटी हो गई क्योंकि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, अगर मुझे ये अमाउंट पता होती, एनुटी पता होती, तो मैं 8% पे 6 ईयर्स की प्रेजेंट निकालता। वो कैसे निकालता, एनुटी इनटू फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब इन सारी एनुटीज की प्रेजेंट वैल्यू मुझे दी हुई है तो प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है, फैक्टर मैं निकाल लूंगा 8% 6 ईयर्स का तो एनुटी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एनुटी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू बाय फैक्टर। तो ये कंसेप्ट, मतलब ये तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट से निकला हुआ है, पर लोगों ने इसके फॉर्मूले बना दिए। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा, जो मेरे प्रेजेंट वैल्यू है मतलब लोन 23,11,500 और 8% 6 ईयर्स का फैक्टर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8% 6 ईयर्स का फैक्टर 4.623, इसका मतलब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 5 लाख की है। इसका मतलब क्या है, 23,11,500 का मेरा लोन है, उसको मैं 5 लाख इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 6 साल तक पे कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल। आप देखो क्या कहता है आगे, लिबरल बैंक आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एंड विद एन ऑब्जेक्टिव टू डिसिस्ट द कस्टमर टू माइग्रेट टू अदर बैंक्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द बीपीएलआर बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। लोन जो है बीपीएलआर प्लस 1% था, पहले बीपीआर 7% था तो इंटरेस्ट 8% का हो गया, अब कहता है 100 बीपीएलआर से मैंने इन द ईयर 19 में लोन लिया था तो ये 20, 21
मेरा ये 2 साल यहां पर मेरा बीपीएलआर चेंज हो गया। बीपीएलआर अब कितना हो गया, 1% से कम हो गया। तो इधर मैं 8% पे कर रहा था, अब यहां पर 7% पे करना है बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स में। मिस्टर ब्राइट विल ऑल्सो बी द वन बेनिफिशियरी अमंग द बोरोज ऑफ द बैंक फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या मांग रहा है, देखो मैंने 5 लाख की जो इंस्टॉलमेंट निकाली है, कहां गया, 5 लाख की जो इंस्टॉलमेंट निकाली है, ये जो 5 लाख की इंस्टॉलमेंट है वो तो 8% पे है। अब कहता है मेरा लोन 23,11,500 का है और मैंने 5,5,5,5,5,5 ये मैंने इंस्टॉलमेंट निकाल ली है 8% पे। बट अब दूसरे साल के बाद क्या कहता है कि लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 7% हो गया। सेकेंड पार्ट में मांग क्या रहा है, एआई पेबल फ्रॉम 2021 फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अगले 4 साल की इंस्टॉलमेंट में कितने की होगी, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या है, इन 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 5 लाख इसलिए है क्योंकि 8% का इंटरेस्ट है, बट अब इस पर 7% का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उसने बताया कि अगले, पूछा ये है अगले 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कितने की होगी। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 5 लाख है 4 साल के अंदर, इसमें से 8% का इंटरेस्ट हटा दूंगा मैं, और मैं यहां पर ये निकाल लूंगा कि 2 साल के बाद मेरा लोन आउटस्टैंडिंग कितना है। तो क्या है, 8% पे 4 साल का एन्युटी फैक्टर मुझे इन पांच, इन 4 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट निकालनी है। तो क्या होगा, एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या होगा, लोन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर एंड या सेकेंड ईयर एंड में 5 लाख के इंस्टॉलमेंट है, 8% 4 साल का मैंने फैक्टर निकाला एनुटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब यहां पर लोन आउटस्टैंडिंग 16,56,500 की रह गई, 16,56,000 की रह गई लोन आउटस्टैंडिंग। अब यहां पर मुझे एनुटी निकालनी है, तो जो पहले कंसेप्ट यूज हुआ था एनुटी इंटू फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, तो एनुटी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या चाहिए, 7% 4 साल, मुझे फैक्टर दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू 7% 4 साल, 3.387, तो 16,56,000, 7% 4 साल, इसका मतलब अगले 4 साल में 488,928 की मेरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। इसका मतलब पहले 2 साल 5 लाख, फिर 488,928, 1, 2, 3, 4 साल। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, इसमें मुझे आपका भी थोड़ा सा इनपुट चाहिए होगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लास्ट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, लास्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 6ठे साल की, पेबल बाय मिस्टर ब्राइट इफ ही कंटिन्यूज टू पे द ओरिजिनल ईएआई डिटरमाइंड इन 2019। इसका मतलब कंटिन्यूज टू पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर कंटिन्यूज टू पे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट जो 2019 में डिटरमाइन हुई थी, तो उसका हर साल 5 जा रहा है, तो भैया यहां पर तो 5 जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल इफ कंटिन्यूज टू पे ओरिजिनल ईएआई 5 लाख। आपके अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो तो मुझे बताएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों ने ये बोला कि सर अगर पहली जो 2 इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट माइनस कर दें तो यहां पर लोन आउटस्टैंडिंग जो लोन जो पे हो चुका वो निकल जाएगा, उस 23,11,500 में से लोन पे माइनस कर दिया तो लोन आउटस्टैंडिंग निकल जाएगा। बट ये लोन आउटस्टैंडिंग यहां पर निकला, मुझे लोन आउटस्टैंडिंग यहां चाहिए, तो इसलिए जो आंसर डिफरेंट होगा और आंसर आपका आंसर गलत होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 का ये, डीके लिमिटेड, ये फॉरेक्स का फिशर वेट का क्वेश्चन है। डीके लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन श्रीलंका इन्वॉल्विंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ LKR 25 बिलियन। डीके लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन श्रीलंका। डीके लिमिटेड इंडियन कंपनी है जो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रही है 25 बिलियन LKR। फॉरेक्स का क्वेश्चन है, दो कंट्री जब तक नहीं होगी फॉरेक्स का इफेक्ट कहां से आएगा।
द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज INR LKR 0.37। ये जो है ना कोट देने का तरीका इनका अजीब सा है। श्रीलंकन करेंसी छोटी होती है, 0.37 में है, तो ये INR 0.37 पर LKR है। इस तरह से दोबारा पढ़ते हैं, DK लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन श्रीलंका इन्वॉल्विंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ LKR 25 बिलियन। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 25 बिलियन LKR फॉरेन करेंसी में। द करंट स्पॉट रेट इज, ये स्पॉट रेट दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट इन इंडिया इज 6%। रिस्क फ्री रेट इंडिया में 6% है एंड द सेम इन श्रीलंका, श्रीलंका में 5.02% है। द प्रोजेक्ट विल जनरेट कैश फ्लो ऑफ LKR 5 बिलियन इन द फर्स्ट ईयर। द कैश फ्लो विल इंक्रीज बाय LKR 1 बिलियन ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसका मतलब पहले साल में 5 बिलियन, दूसरे साल में 6, 7, 8, 9। द प्रोजेक्ट विल बाइंड अप ऑन द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स विद नो सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू नहीं है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट इज 8%। रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट, इसका मतलब यहां पर ये रिस्क एडजस्टेड रेट की बात कर रहा है। अब ये रिस्क एडजस्टेड रेट कहां का है, रुपी का है कि LKR का है? मैं मान रहा हूं रुपी का है, 8%। तो ये इंडिया का है, रिस्क एडजस्टेड रेट 8%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट बाय होम करेंसी अप्रोच एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच। कंपेयर द आउटकम अंडर द अंडर बोथ द अप्रोचेस। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट वर्दी है कि नहीं, और वो प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट वर्दी है कि नहीं, वो तब वर्दी होती है जब एनपीवी पॉजिटिव होती है। अब ये होम करेंसी अप्रोच में निकालना है। होम करेंसी अप्रोच का मतलब हो गया रुपी में, इसका मतलब एनपीवी रुपी में चाहिए। अगर रुपी में एनपीवी चाहिए तो मुझे कैश फ्लोज भी रुपी में चाहिए। यहां पर कहता है 25 बिलियन LKR में है एंड जो कैश इनफ्लोज है वो 5 बिलियन 6, 7, 8, 9, ये सब LKR में है। अगर होम करेंसी में चाहिए तो मुझे पहले इन सारे LKR को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर मुझे स्पॉट रेट दिया हुआ है 0.37, INR 0.37 पर LKR, तो कैश आउटफ्लो जो जीरो पीरियड का है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट कैश इनफ्लोज जो है उसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, फॉरवर्ड रेट्स। तो इसका मतलब मुझे 5 साल का फॉरवर्ड रेट भी चाहिए। अब देखिए फिशर फेट के क्वेश्चंस को निकालने के 3-4 तरीके हैं। अब वो डिपेंड करता है हमने कौन सा यूज करना है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उसके ऊपर। अब फॉरवर्ड रेट्स कैसे निकलता है, फॉरवर्ड रेट इंटरेस्ट रेट पैरिटी से भी निकलता है, इन्फ्लेशन को यूज करके भी निकलता है। अब क्वेश्चन के अंदर रिस्क फ्री रेट गिवन है तो हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी को यूज करके फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। आप देखें स्टेटमेंट ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स, तो ये हमारा आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी, स्पॉट रेट दिया हुआ है, हमें पता है ऊपर इंसिडेंटल करेंसी का रेट आता है, नीचे बेस करेंसी का, और इंसिडेंटल यहां पर रुपी है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर फ्लो देख रहे हैं क्वेश्चन का कैसे चल रहा है। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि रुपी होम करेंसी अप्रोच से आपने जो है इन्वेस्टमेंट वर्थ निकालनी है, इन्वेस्टमेंट वर्थ एनपीवी से निकलती है, और एनपीवी निकालने के लिए मुझे होम करेंसी में मुझे रुपी में चाहिए। इसका मतलब जो LKR के अंदर है मुझे उसको रुपी में कन्वर्ट करना है, तो रुपी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे फॉरवर्ड रेट चाहिए। तो पहले मैंने फॉरवर्ड रेट निकाले, फिर मैंने कैश फ्लोज को मैंने रेट लगा के मैंने रुपी में कन्वर्ट किया एंड कैश आउटफ्लोज 9.25 बिलियन एंड कैश इनफ्लोज ये सारा मेरा रुपी में आ गया। पीरियड 8% के फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू मेरी एनपीवी आ गई। क्वेश्चन सिंपल है, प्रोवाइडेड कि आपका फ्लो पता है आपको। फिर उसके बाद कहता है एनपीवी निकालो फॉरेन करेंसी अप्रोच से।
फॉरेन करेंसी अप्रोच सिंपल है, क्योंकि मुझे आउटफ्लो भी फॉरेन करेंसी में पता है और इनफ्लो भी फॉरेन करेंसी में पता है। अगर एलकेआर के अंदर आप निकालोगे, यहां पर दिक्कत ये है कि यहां पर जो 8% गिवन है वो तो मुझे रुपी रिक्वायर्ड रेट ऑफ गिवन है ना, रिस्क एडजस्टेड रेट मुझे इंडिया का पता है, श्रीलंका का नहीं पता। इसका मतलब मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच के लिए मेरे पास कैश फ्लोज तो फॉरेन करेंसी में है, बट रिस्क एडजस्टेड रेट मुझे फॉरेन करेंसी में नहीं पता। और इसको निकालने के दो तीन तरीके हैं, बट क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर निकालेंगे। यहां पर रिस्क एडजस्टेड और रिस्क फ्री रेट है, और हमने कॉरोलरी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम इंटू 1 प्लस रिस्क फ्री। हमें पता है कि रिस्क प्रीमियम, फिशर इफेक्ट का कंसेप्ट यह है कि रिस्क प्रीमियम हर कंट्री में सेम रहता है। तो इंडिया में, क्योंकि मुझे इंडिया का रिस्क फ्री भी पता है और इंडिया का रिस्क एडजस्टेड भी पता है, तो क्या है, 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड, 1 प्लस रिस्क प्रीमियम और रिस्क फ्री। यहां से 1 प्लस रिस्क प्रीमियम निकल गया, और श्रीलंका में भी मैंने ये लगा दिया रिस्क प्रीमियम मेरे पास है, तो रिस्क एडजस्टेड रेट 7% पे आ गया। और ये वेरीफाई कहां से होता है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर 8% और 7% का मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे। तो इसलिए मैंने 8% को रुपी रेट ऑफ रिटर्न माना है, और जब मैंने कैलकुलेट किया तो 7% मेरे पास श्रीलंका का रिस्क एडजस्टेड रेट आता है। जब रेट मैंने निकाल दिया तो मैंने एनपीवी निकाल दी, मुझे कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज एलकेआर में पता है, 7% पे मैंने फैक्टर यूज किए एंड एनपीवी मेरी आ गई। बट ये एनपीवी एलकेआर में है और ये वाली एनपीवी रुपी में है। अगर मैं इस एलकेआर को भी मैं रुपी में कन्वर्ट करता हूं तो स्पॉट रेट में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो 0 पीरियड में आ चुकी है। तो एनपीवी इसकी भी कितनी आ रही है, आईएनआर में 1.6414 और यहां पर 1.16465, तो नियर अबाउट सेम है, अप्रोक्सीमेशन का फर्क है। तो इसका मतलब क्या है, जब उसने पूछा कंपेयर, तो एनपीवी दोनों में सेम है अगर रुपी में कन्वर्ट की जाए। INR NPV इन बोथ फॉरेन करेंसी अप्रोच एंड डोमेस्टिक करेंसी अप्रोच इज सेम। ये फिशर इफेक्ट का सिंपल क्वेश्चन है, होम करेंसी अप्रोच एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच के अंदर। बस ये है कि होम करेंसी अप्रोच के अंदर मुझे चाहिए क्या और फॉरेन करेंसी अप्रोच के अंदर मुझे चाहिए क्या। क्वेरी ये आई थी कि सर ये जो है 8% दिया हुआ है, ये कौन सी करेंसी का है, मुझे क्या पता। देखिए जो है यहीं पर ही जो है डिसीजन मेकिंग लेनी होती है। यहां पर थोड़ा सा एग्जामिनर अनजस्टिफाइड है, क्योंकि हमें यहां से पता लगाना है। 8% अगर रुपी का है, तभी मैं अगर रिस्क एडजस्टेड और रिस्क प्रीमियम का रिस्क फ्री का रिलेशन लगाता हूं तो 7% आता है श्रीलंका का, और 7% क्वेश्चन के अंदर यहां दिया हुआ है। कुछ लोगों ने कहा सर यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये दोनों का नहीं ले सकते कि 8% ही एलकेआर का है और 8% ही रुपी का है। भैया 2% रेट क्यों दिए होते फिर। तो यहां पर ये थोड़ा सा एग्जामिनर ट्विस्ट मार गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन मेरा फॉरेक्स का, फिशर इफेक्ट का। फिशर इफेक्ट में ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आर पेपर में आए हुए हैं। 6 का बी पार्ट, लीजिंग का वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ लेसर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटेटिव, सिंस देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स द लीज रेंटल्स टू बी कोटेड बाई एलएम कैन नॉट हैव अ मार्जिन ऑफ एरर। एलएम एक लेसर है, बीएल अ लेसी प्रपोजेस टू लीज मशीनरी ऑन ड्राई लीज बेसिस फ्रॉम एलएम, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द मशीनरी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ, सैलवेज वैल्यू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ब्रेक इवन लीज रेंटल। अब देखो अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन लीज रेंटल निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है कि लोन प्रपोजल में जो एनपीवी है, लीज प्रपोजल में भी वही एनपीवी आने चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लीज हम लेस रेंट निकालते हैं। बट यहां पर लोन की बात नहीं हो रही, इसका मतलब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालते हैं कि लेसर ने एसेट परचेज करके लीज पे दिया और उसको लीज रेंट मिल रहा है। एसेट परचेज किया, कैश आउटफ्लो,
लीज पे दिया कैश इनफ्लो, लीज रेंट आएगा कैश इनफ्लो। तो अगर लीज प्रपोजल का एनपीवी अगर जीरो हो जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, तो वो ब्रेक इवन लीज रेंटल हो गया। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी बनाऊंगा लेसर की, परचेज प्राइस मेरा ये है, पीरियड जीरो फैक्टर वन, ये मेरा परचेज प्राइस आ गया। अगर मैंने एसेट परचेज किया है तो डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन और टैक्स से भी निकाली हुई है, तो ये 5 साल का डेप्रिसिएशन फैक्टर मुझे दिया हुआ है 10% पे, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। लीज रेंट मुझे निकालना है, एक्स मैंने लिया आफ्टर टैक्स, तो 1 to 5 ईयर्स का ये प्रेजेंट वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन WDV पे है तो इसका मतलब 5 साल के बाद ये मेरी बुक वैल्यू होगी। सेल्वेज वैल्यू मेरी ये है बट बुक वैल्यू ये है, तो इसका मतलब कैपिटल लॉस आया, कैपिटल लॉस पे टैक्स सेविंग यहां पर ऐड होगी, तो नेट सेल्वेज वैल्यू ये आ गई, नेट सेल्वेज वैल्यू ये है। ब्रेक इवन मुझे लीज रेंटल निकालना है, एनपीवी नहीं निकालनी है। एनपीवी तब होगा, ब्रेक इवन तब होगा जब 10% पे एनपीवी जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरी क्वेश्चन बन गई, मैंने एक्स सॉल्व किया, मेरा लीज रेंटल आ गया। क्वेश्चन सिंपल था, बट अब देखिए कैलकुलेशंस कितनी टेडियस है। कहता है मार्जिन ऑफ एरर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, मैंने पॉइंट्स में लिया इसको, तो यहां पर मेरा लीज रेंटल आ गया। पेपर के अंदर कैलकुलेशन टीडीएस होने की वजह से इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अब इसके अंदर जो है नजायज बात यह है कि ऊपर इतने टिपिकल क्वेश्चन है, फिशर फेड का भी क्वेश्चन है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का भी जो है आपका टिपिकल क्वेश्चन आया हुआ है, एंड मोस्टली टिपिकल क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लीज रेंटल का जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो एग्जामिनर थोड़ा सा अनफेयर है। यहां पर 3 घंटे में इस पेपर को करना थोड़ा सा मुश्किल है। बड़ा देखिए जो है कंसिडरिंग दिस पेपर, डेरिवेटिव का क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया हुआ है, फॉरेक्स में भी फिशर इफेक्ट का क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है। तो देखिए जो है क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स को क्रैम करके कुछ नहीं होगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर स्ट्रक्चर जरूरी है, रिविजन जरूरी है, ताकि लास्ट डे में हमें मेजर टॉपिक्स रिवाइज ना करना पड़े, जो टिपिकल पेपर टॉपिक्स हैं वही रिवाइज करें। तो थोड़ा सा ना पढ़ने का तरीका आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इस पेपर के अंदर फर्दर कोई क्वेरी है या फर्दर आपका कोई फीडबैक है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे या आप नीचे कमेंट करें। पीडीएफ कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप जो नंबर दिया हुआ उस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। एंड न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जो आपके कोर्स में नहीं है, और डिविडेंड का मोदी गिलानी मिरर नहीं है। ऑल इज डन, कोई फर्दर क्वेरी है तो आप पूछेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।